सो हाय गाइस, वेलकम टू आन एकेडमी नीट। कैसे हैं आप सब? एंड आर यू ऑल सेट फॉर द एनसीईआरटी रीडिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स? देखिए, स्पेशली मैं मतलब मुझे ये फीडबैक मिलता है स्टूडेंट्स का कि मैम, यू नो, इनऑर्गेनिक में तो ठीक है, पता ही है हमें दैट एनसीईआरटी रीड करना है सुपर इम्पॉर्टेंट, बट देन फिजिकल और ऑर्गेनिक में क्या सही तरीका है, वॉट इज रेलिवेंट इन एनसीईआरटी, ये बेस्ट समझ में आ जाए अगर आपको एक प्रॉपर, यू नो, जिन एडुकेटर, जिन टीचर से आपने पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में समझा है, अगर उन्हीं के साथ मिलकर आप एनसीईआरटी को प्रॉपरली कवर कर लेंगे, यानी कि अगर आपको बता दिया जाए कि एनसीईआरटी में यार स्पेशली क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज नॉट रेलेवेंट, कहाँ आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो मज़ा आ जाएगा कि नहीं, है ना। हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर हमने यूट्यूब चैनल पर अभी कुछ दिन पहले स्टार्ट किया था। हमारा जो टॉपिक है वो डिटेल में वैसे तो पूरा फिनिश हो चुका है, बट लेट मी टेल यू, आज के सेशन में सबसे पहले तो यार देखो, हम एनसीईआरटी तो रीड करेंगे, तो आपका बेंजीन वाला पार्ट क्योंकि हमारा मिसिंग था, है ना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्योंकि हमने लास्ट सेशंस में नहीं कवर किया था, तो सबसे पहले हम बेंजीन वाला पार्ट कवर करेंगे, फॉलोड बाय द एनसीईआरटी रीडिंग ऑफ द एंटायर चैप्टर। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वेरी सून, लाइक विद इन 90 मिनट्स वील बी एबल टू वाइंड अप दिस सेशन। और फिर उसके बाद आज की बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ दीजिए ध्यान बेटा, थर्मोडायनेमिक्स कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप ये बता दें यार, चैट में थोड़ा जोश दिखाओ, जरा एनर्जी, जरा एक्साइटमेंट दिखाइए, दैट हाउ एक्साइटेड यू ऑल आर फॉर द एनसीईआरटी रीडिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। कम ऑन, आई शुड सी दैट जोश, दैट यस मैम, मतलब दैट इंथुजियाज्म की यस आकांक्षा मैम, वी आर सुपर एक्साइटेड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल्सो थर्मोडायनेमिक्स आपका जो चैप्टर है यार, ये हम वन शॉट में, सबको ये मालूम है कि थर्मो, देखो अभी रिसेंट में एक तो हमने थर्मोडायनेमिक्स किया नहीं है, हाइड्रोकार्बन्स की एनसीईआरटी रीडिंग अभी कुछ टाइम पहले मैंने कराई थी, बट देन सिंस हम यहाँ पर सारे चैप्टर्स कवर कर रहे हैं, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स इज वन यूनिट जो रिसेंट में लास्ट के 3-4 महीने में हमने नहीं किया है, वन शॉट में, डिटेल्ड मैनर में। सही सुना आपने, बिल्कुल वन शॉट में, यानी कि एक ही क्लास में पूरा चैप्टर आपका हम फिनिश करा देंगे। तो कल रात 8:30 बजे आपकी ये वाली क्लास होने वाली है, थर्मोडायनेमिक्स 8:30 PM वन शॉट में। मेक श्योर एवरी वन पार्टिसिपेट्स इन दिस सेशन, ये एक सुपर 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 इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, इसका लिंक मैं ऐड करा दूंगी कॉमेंट सेक्शन में, आप वहाँ पर ऐसा बड़ा सा थम्स अप देख रहे आएंगे सेशन को, टू मेक श्योर दैट आकांक्षा मैम नोज हाउ एक्साइटेड यू आर फॉर दिस सेशन, एंड बाकी नोटिफाई मी पर क्लिक कर देना सो दैट आप किसी हाल में सेशन को लाइव देखना मिस ना करें। ऑल्सो यार, आज की सबसे अच्छी जो गुड न्यूज़ है हमारे पास आपके लिए, दैट इज़ कि अन अकेडमी के अभी सभी सब्सक्रिप्शंस पर यार 20% ऑफ आपको मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैम अच्छे सेट ऑफ एडुकेटर्स मिल जाए, प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, एक क्लियर रोड मैप के साथ हम आगे बढ़ पाएँ, जहाँ मुझे भटकना नहीं पड़े किसी चीज़ के लिए, है ना, जहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो मेरे सामने, आई मीन स्पैमिंग नहीं हो, ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो जहाँ आपको क्लोज्ड एनवायरनमेंट मिल रहा है, बढ़िया कंपटीशन मिल रहा है, जहाँ आपके जैसे बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड हैं अपने गोल पर और सिर्फ इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि यार मुझे पता चल जाए मेरा सिलेबस कंप्लीट कब तक हो जाएगा, कहीं मुझे डाउट आ रहा है, तो यार मुझे डाउट रूम ज्वाइन करना है, बिल्कुल साथ साथ मेरा हैंड इन हैंड डाउट सॉल्व हो जाएगा और एक अच्छे सेट ऑफ एडुकेटर्स आपको मिलेंगे। आपको आकांक्षा मैम से आप पर्सनली बात कर सकते हैं, बाकी सेट ऑफ एडुकेटर्स से पर्सनली बात कर सकते हैं, आपके खुद के सेट ऑफ स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के अकॉर्डिंग आपका स्टडी प्लान हो सकता है। अगर आपको लगता है दैट येस, अगर मुझे ये सब मिल जाए फिर मैं अपनी जान लगा सकता हूँ, देन तो आई विल श्योरली क्रैक दिस एग्जाम, तो फिर देरी किस बात की है, यू कैन जॉइन अस हियर, यूज द कोड AKALIVE, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक ऐड करा दिया है, स्पेशली अपने जूनियर्स के साथ जरूर जरूर शेयर करें, क्योंकि आप बेस्ट समझते हैं कि यार अर्ली स्टार्ट का बेनिफिट क्या है। तो अगर आप किसी 25 या 26 एस्पिरेंट को जानते हैं, जरूर इस सेशन को उनके साथ शेयर कीजिएगा, लिंक्स मैं ऐड करा दूंगी सारी कमेंट सेक्शन में, प्लस 6 मंथ एक्स्ट्रा भी आपको मिल रहा है। पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा बिफोर द ऑफर गोज ऑफ, है ना, तो December 11, 2016 आपका ये ऑफर रहने वाला है, इससे पहले कि ऑफर खत्म हो जाए जरूर अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करिए एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। फिर इसके बाद दीज आर सम रियली गुड सेट ऑफ एडुकेटर्स जिनके साथ आपका यार ये रफ्तार क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 2024 के लिए डेडिकेटेड, तो आप इसको भी ज्वाइन करने का कंसिडर कर सकते हैं। बाकी जेके जब आप कोड यूज करेंगे AKALIVE आकांक्षा से AKA, तो आपको एनी वेज मैम का गाइडेंस, मैम का मेंटोरशिप तो मिल ही जाएगा, आकांक्षा मैम भी प्लस और आइकॉनिक दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर आपको मिलती है, डिटेल मैनर में केमिस्ट्री आप वहां पर भी मेरे साथ कवर कर सकते हैं।
आइए आप सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से। ऐसा ही दिखता है कुछ बेंजीन, है ना। बेंजीन है बड़े पॉपुलर कंपाउंड जो शायद हम सबने देखा और सुना है, जिसका स्ट्रक्चर के साथ भी हम सभी फेमिलियर हैं। बेंजीन के अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारे पास यार यहाँ पर क्या होता है, देखो मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ, है ना। कितनी आसान सी बात है, बेंजीन इतने सारे रिएक्शंस में, इतने सारे कंपाउंड्स में, जिस मॉलिक्यूल को, जिस कंपाउंड को हमने पढ़ा है उसमें क्या होता है, 6 तो कार्बन आटम होते हैं, उसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लिखेंगे 6 कार्बन आटम्स एंड साथ ही साथ 6 होते हैं हाइड्रोजन, है ना। अब यार तुम यहाँ पर कार्बन स्केलेटन बना दो। देखो अगर मैं यहाँ पर कार्बन स्केलेटन बनाऊंगी तो मेरे पास क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में 6 बॉन्ड्स होंगे, है ना। कार्बन कार्बन के बीच में इस तरह, मतलब 6 कार्बन आटम्स के बीच में आप पहले तो एक कार्बन स्केलेटन बना दो। इसको मैं कार्बन स्केलेटन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अब यहाँ पर कार्बन के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो पहले तो आप कार्बन स्केलेटन ड्रॉ कीजिए, फिर इसके बाद ध्यान रखना है आपको कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा, वो भी अल्टरनेट, यानी कि अल्टरनेटली आपको डबल बॉन्ड लगाते जाना है। मतलब एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, और जी आकांक्षा मैम एक डबल बॉन्ड यहाँ। अब मैं बताती हूँ स्टूडेंट्स यूजुअली गलती कहाँ पर करते हैं। पहले तो लिखिए इन द चार्ट सेक्शन व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की यार वैलेंसी कितनी होती है। तो आकांक्षा मैम कार्बन की वैलेंसी होती है 4, यानी कि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। तो यार अगर कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा तो जैसे मैं ये वाले कार्बन आटम को देखती हूँ, अभी इसने 1 2 3 तीन ही तो बॉन्ड बनाए हुए, क्योंकि इसने अभी तीन ही बॉन्ड बनाए हैं, इसकी एक वैलेंसी तो इनकम्प्लीट है। और वो जो इसकी एक इनकम्प्लीट वैलेंसी है वो कौन सेटिस्फाई करेगा, हाइड्रोजन आटम। तो यहां पर आपके पास ये हाइड्रोजन आटम आकर लग जाएगा एंड हर एक कार्बन आटम पर, हर एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है जो उनकी वैलेंसी को क्या करता है, सैटिस्फाई करता है। इस तरह से एक हाइड्रोजन विल सैटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ योर कार्बन आटम। कूल है। तो हमारे पास यहां पर ये जो स्ट्रक्चर आप सामने देख रहे हैं, किसका स्ट्रक्चर है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है एंड दिस इज C6H6। अगर आपसे पूछते हैं यहां पर यार हर कार्बन आटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जल्दी से बता दो। और इसी के साथ आप जरा पेशेंस रखें, मैम ने कहा है कि मैं पूरी ऑर्गेनिक इसी मंथ करा दूंगी, मतलब करा दूंगी, मैं पूरी ऑर्गेनिक इस मंथ कराना चाहती हूँ, और साथ साथ जो आपका एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट है वो, प्लस थर्मोडायनेमिक्स एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, ये दो चैप्टर मुझे जनवरी में लेकर किसी हाल में नहीं जाने हैं। सो यू नीड नॉट टू वरी, जैसे मैम करा रही है बस फॉलो करते जाएं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये रहा C6H6 और वेरी गुड। अरे क्या बता रहे हो, 4 क्यों बता रहे हो, मैंने तो हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, हाइब्रिडाइजेशन 4 होता है। हाइब्रिडाइजेशन तो यहाँ पर क्या होगा, sp2 होगा, मैंने यही बोला था ना, हाइब्रिडाइजेशन बताओ हर एक कार्बन आटम का, तो ईच कार्बन आटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है यार, वैसे ना NCERT में लेकर चलते हैं आपको, यहाँ पर आइए, ये रहा हमारा बेंजीन। तो आपकी जो NCERT है मैं डायरेक्ट उसी से आपका बेंजीन जो है कंप्लीट करा देती हूँ। तो देखिए बेंजीन की अगर बात करें तो काफ़ी स्टेबल कंपाउंड होता है, ऑल्सो इसको एक एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं, क्यों वो भी आगे डिस्कस करेंगे। बट देन आप सभी जानते हो कि बेंजीन में जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स रहते हैं, पर आप डबल बॉन्ड की पोजीशन रेजोनेंस से डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखा सकते हो। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जहाँ सिंगल बॉन्ड है इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और जहाँ इधर डबल बॉन्ड है इधर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, किसके लिए, बेंजीन के लिए। दूसरी बात, ये जो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इनसे क्या प्रूव हो जा रहा है भाई, ये जो तुम्हारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इनसे हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये पूरे के पूरे बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज रहते हैं। कैसे रहते हैं, दे आर डीलोकलाइज किसके अंदर, बेंजीन रिंग के अंदर डीलोकलाइज रहते हैं। ठीक है, डीलोकलाइजेशन का मतलब सब समझते हैं कि डिस्पर्स रहेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है फैली हुई होती है अंदर, इस तरह से बेंजीन रिंग के अंदर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है, मतलब ये रेजोनेंस में कंटिन्यूस डीलोकलाइजेशन दिखाते रहेंगे। तो यहाँ पर सेम ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं इनको मैं इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कि यार हमारी जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इन 6 कार्बन आटम्स के बीच में कहीं भी आ सकती है, राइट। आप देख रहे हो ना यहाँ पर ये वाले कार्बन आटम्स पर है, और दूसरे केस में एग्जैक्टली ऑल्टरनेट कार्बन आटम्स पर है, तो इसका मतलब 6
में से कोई भी कार्बन एटम्स के ऊपर आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज रह सकती है, तो हमारे पास ये उसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर आ गया। दूसरी बात, आपने यहाँ पर देखा कि सभी कार्बन एटम्स क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, तो एग्जैक्टली यही यहाँ पर लिखा है। हर एक कार्बन एटम का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना होगा, तो आपके पास टोटल 6 क्या लिखा है, टोटल 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। दूसरी बात यार, यहाँ पर हमारे पास ये देखो, अगर आप ऑर्बिटल पिक्चर देखना चाहते हो किसका, बेंजीन का, तो ऑर्बिटल पिक्चर कुछ ऐसा दिखेगा भाई। हमारे पास ये 6 मेंबर्ड फ्रेमवर्क हो गया, पहले तो कार्बन स्केलेटन हो गया, फिर उसके बाद इसने एक एक बॉन्ड बनाया हुआ है किसके साथ, हाइड्रोजन एटम के साथ। और यहां पर आपके पास ये हर एक कार्बन एटम का क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा। क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन एटम। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं बेंजीन को यार, एरोमेटिक रिंग क्यों बोलते हैं, है ना, आपने सुना होगा, स्पेशली हमारा चैप्टर जो है उसमें एक हेडिंग आता है, दैट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्यों कहलाता है? तो देखिए, एरोमेटिक हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं सबसे पहले जो साइक्लिक हो। कैसे हो, साइक्लिक हो। तो देखिए, एरोमेटिसिटी की कंडीशंस होती हैं, यानी कि किसी भी कंपाउंड को आप एरोमेटिक कब कह सकते हो, जब वो सर्टेन सेट ऑफ कंडीशंस को पूरा करता हो, सर्टेन सेट ऑफ कंडीशंस को फुलफिल करता हो, तब वो आपका कंपाउंड क्या कहलाता है, एरोमेटिक कहलाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि यार देखो, पहला तो क्या हो गया कि वो आपका जो कंपाउंड है दैट शुड बी साइक्लिक। अब साइक्लिक होने का मतलब क्लोज सिस्टम होना चाहिए, तो बेटा बेंजीन रिंग साइक्लिक है कि नहीं, बेंजीन रिंग क्लोज सिस्टम है कि नहीं, क्लोज्ड होता है ना, बंद है। आप इधर देखो, ये बेंजीन रिंग है, क्लोज सिस्टम है ना। दूसरी बात, हमारे पास रिंग जो है प्लेनर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्लेनरिटी होनी चाहिए, यानी कि आप देखो, प्लेनर का मतलब पता है क्या होता है, प्लेनर का मतलब तो ये होता है कि सभी एटम्स एक ही प्लेन में होने चाहिए। इसका मतलब, अगर मैं इसको एक प्लेन मान लूं कि ये मेरा एक एक्स वाई प्लेन है, तो मेरे सारे एटम्स इसी प्लेन में लाए करने चाहिए, कार्बन, जितने भी कार्बन है, जितने भी हाइड्रोजन है। और बेंजीन रिंग में एग्जैक्टली वैसा ही होता है, लेकिन हर बार ये पहचान पाना इज लिटिल डिफिकल्ट कि यार कौन सा कंपाउंड है जो प्लेनर है और कौन है जो नॉन प्लेनर है। तो इसकी एक ट्रिक आपको बताते हैं, अगर आपके कंपाउंड में जितने भी कार्बन एटम्स हैं, अगर आपके कंपाउंड में जितने भी कार्बन एटम्स हैं वो sp2 या फिर sp हाइब्रिडाइज्ड हैं, क्या है, sp2 या फिर sp हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो यार फिर तो आप उनको प्लेनर बोल देते हो। क्या बोल देते हो, प्लेनर बोल देते हो, कि आपकी रिंग कैसी है, प्लेनर है। अब जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो, क्या आपके पास यहां पर सारे कार्बन एटम्स, क्या आपके सारे कार्बन एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो आप क्या कहेंगे कि हाँ जी हैं। यहां पर हमारे पास जितने भी आपके कार्बन एटम्स हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है कि नहीं, दे आर ऑल sp2 हाइब्रिडाइज्ड, है ना। तो इसका मतलब बस यहीं से आप समझ जाएं, क्योंकि मेरे सारे कार्बन एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, दैट मींस मेरा जो कंपाउंड है, मेरा जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर है। तो यार हमारे पास एरोमेटिसिटी की चार कंडीशंस होती हैं। पहला कि मेरा कंपाउंड साइक्लिक हो गया, साइक्लिक मतलब क्लोज होना चाहिए, तो होता है, बेंजीन रिंग क्लोज और साइक्लिक कंपाउंड है। दूसरा, प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर मतलब सारे कार्बन एटम्स या तो sp2 या फिर sp हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए, विच इज ऑल्सो ट्रू। फिर हमारे पास कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। यार ये वाले लाइन का क्या मतलब है कि हमारा कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, तो देखिए, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है कंटिन्यूअस रेजोनेंस। क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन होना चाहिए, मतलब रेजोनेंस जो है ना बीच में कहीं टूटना नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये मेरी बेंजीन रिंग है ना यार, है ना ठन ठन, ये मेरी बेंजीन रिंग है बेटा, ये है मेरी बेंजीन रिंग, है ना। तो अगर ये हमारी बेंजीन रिंग है तो बताओ इसमें क्या हो रहा है भाई, यहां पर हमारे पास कंटिन्यूस डीलोकलाइजेशन यानी कंटिन्यूस रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। देखो, डबल बॉन्ड के बाजू में डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस वाली कंडीशन है ना, डबल सिंगल डबल में रेजोनेंस होता है कि नहीं, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस हो जाएगा। फिर यहां डबल सिंगल डबल, यहां डबल सिंगल डबल, मतलब पूरी रिंग में कंटिन्यूसली डीलोकलाइजेशन यानी कंटिन्यूस रेजोनेंस, उसको हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं। यानी रिंग जो आपकी है वो कैसा है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इट इज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम बेटा। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंटिन्यूस
रेजोनेंस क्योंकि यहाँ पर हो रहा है तो इसीलिए कॉन्जुगेशन यहाँ पर है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है आपका। पहले तो एक थम्स अप भेजिए इफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज कॉन्जुगेशन। यार फॉर एग्जांपल देखो मैं आपको बताती हूँ, मान लो मेरे पास ये सिस्टम होता है ना, मान लीजिए मेरे पास ये वाला एक रिंग था और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड था, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड था, तो यहाँ पर रेजोनेंस तो हो जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है ना, तो डबल सिंगल डबल वाला रेजोनेंस तो हो जाएगा। लेकिन फिर इसके आगे क्या, जब आप यहां पहुंचेंगे तो फिर आगे रेजोनेंस नहीं हो पाएगा क्योंकि ये वाला जो कार्बन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस तो पॉसिबल है लेकिन कंटीन्यूअस डीलोकलाइजेशन नहीं है, ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहां पर बीच में टूट गया ना रेजोनेंस, बीच में ब्रेक हो गया है ना, बीच में आपका जो कॉन्जुगेशन है वो ब्रेक हो चुका है एंड हेंस यहां पर आप ये नहीं कह सकते हो कि कंटीन्यूअस कॉन्जुगेशन है या फिर कंटीन्यूअस डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला केस आपका एरोमेटिसिटी की कंडीशन को सैटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहां पर कंटीन्यूअस डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है, बीच में टूट गया राइट, लेकिन यहां पर तो हो रहा है, देख रहे हो आप, यहां पर तो हो रहा है, यहां पर आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, वो कंटिन्यूअसली डीलोकलाइज हो रही है कि नहीं हो रही है? कंटिन्यूअसली डीलोकलाइज हो रही है। तो ये आपका सिस्टम कैसा कहलाएगा? कॉन्जुगेटेड कहलाएगा। अब जरा आप देख लेते हैं आप चैट में लिख क्या रहे हैं, बोलो यार, है ना? यस मैम, चलो जी गुड। तो यहां पर हो रहा है कंटिन्यूअस डीलोकलाइजेशन। ओके, तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है उसको भी आप देख लें कि प्रेजेंस ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग वेयर n इज द इंटीजर। बेटा यहां पर हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि हमारी जो रिंग है यार, अगर मैं बेंजीन के स्ट्रक्चर को देखूंगी तो मेरे को बताओ बेंजीन के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल एक्चुअली। तो आप कहेंगे कि जी आकांक्षा मैम 1 2 3 4 5 6, यार पाई इलेक्ट्रॉन वही होंगे जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो आकांक्षा मैम 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि पाई इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। तो मैम हमारे पास इस रिंग के अंदर टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स निकल कर आएंगे, है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लेट मी चेक वेदर यू हैव रियली अंडरस्टूड दिस। आप मुझे ये बताइए, अगर मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है इसमें मुझे बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, जल्दी से बताना, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट हियर, ये वाले केस में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? कम ऑन, यस, यहां पर है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कौन कौन सा? 1 2 3 4, है ना, वी हैव 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हियर, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बेसिकली एरोमेटिसिटी की पहली कंडीशन क्या होती है? तो आकांक्षा मैम पहली कंडीशन तो ये होती है कि जी रिंग क्लोज्ड होनी चाहिए, पूरी हो गई थी, साइक्लिक सिस्टम होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, सारे कार्बन आटम या तो sp2 या sp हाइब्रिडाइज होनी चाहिए, कंडीशन फुलफिल हो रही है। थर्ड प्रॉपर्टी ये होती है कि क्या कंटिन्यूअस डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, वो भी हो रहा है। लास्ट प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपका सिस्टम एरोमेटिक होगा तो उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बेटा 4n+2 पाई का मतलब क्या है? देखो अब यहाँ पर अगर मैं इनकी वैल्यू 0 रख दूँ, है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो आप ऐसे n जो है कुछ भी होल नंबर रखते जाइए, n की वैल्यू 0, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूंगी तो 4 × 1 = 4, 4 + 2 = 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिर यार n = 2 रखूंगी तो 4 × 2 क्या होता है? 8, 8 + 2 = 10, तो आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। कहने का मतलब है कि अगर आपके सिस्टम में 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के बराबर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो फिर आपका सिस्टम बाकी के अगर तीनों कंडीशंस को सैटिस्फाई कर रहा था तो फिर ये एरोमेटिक सिस्टम बन जाता है। क्या बन जाता है? एरोमेटिक सिस्टम बन जाता है। तो आप मुझे खुद ही बताइए कि यार बेंजीन रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो जी आकांक्षा मैम 6 पाई। तो यार 6 पाई तो ये रहा, इधर जब n की वैल्यू 1 होगी तो 6 पाई, यानी कि हक्कल्स रूल इसको बोलते हैं, जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला रूल होता है ना, इसको हम बोलते हैं हक्कल्स रूल, ठीक है। तो हो रहा है यहां पर हक्कल्स रूल फॉलो कि नहीं हो रहा? तो भाई यहां पर हक्कल्स रूल फॉलो हो रहा है ना, यहाँ हक्कल्स रूल आपका फॉलो हो रहा है। एंड दैट इज हाउ हम क्या कह सकते हैं कि यस मैम हमारे पास जो है ये एक एरोमेटिक सिस्टम है, दिस इज एन एरोमेटिक रिंग, ये एक एरोमेटिक सिस्टम है। क्या कहलाएगा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, एरोमेटिक, ठीक है।
ये रोमांटिक सिस्टम कहलाएगा, कह दो यस मैम जल्दी से यार। कैन आई सी सम गुड जोश यार इन द चैट सेक्शन? यार थोड़ी ये मतलब आग लगाओ चैट सेक्शन में। मैम हमेशा यही कहती हैं कि क्लास हो केमिस्ट्री की, कोई न्यू स्टूडेंट भी हमारी क्लास में आए तो उसके लिए भी यू नो एक उसको भी पता चल जाना चाहिए कि आकांक्षा मैम जब लाइव होती हैं तो कैसा माहौल होता है, कितना मज़ा आता है। तो यहाँ पर चैट सेक्शन में मुझे वो सेम जोश सेम एंथुजियाज्म देखने के लिए मिलता रहना चाहिए, है ना? और सेशन सब बच्चे लाइक कर देंगे जो भी क्लास में फिलहाल लाइव है। ऑल्सो जो बच्चों ने अभी अभी सेशन को ज्वाइन किया है, आई होप यू नो कि कल यार हम लोग थर्मोडायनेमिक्स वेरी एक्चुअली क्या है कि अगर देखो आई प्रॉमिस यू ऑल, प्रॉमिस मतलब प्रॉमिस कि मैं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी मंथ पूरी फिनिश करा दूंगी अलॉन्ग विथ थर्मोडायनेमिक्स एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। मैंने पूरा प्लान किया है, ठीक है, क्योंकि मैं थर्मोडायनेमिक्स और आयनिक इक्विलिब्रियम नेक्स्ट मंथ के लिए नहीं छोड़ना चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। दूसरी बात, थर्मोडायनेमिक्स हम डिटेल मैनर वन शॉट में कल ही फिनिश कर रहे हैं इसी यूट्यूब चैनल पर लाइव। और लास्टली व्हाट आई वॉन्टेड टू से वॉज, मैं बाकी क्या कहना चाहती थी आपको ये बताओ। हाँ, तो ये हम एक्चुअली क्या है कि अगर हम कंटिन्यूसली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते रहेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा आपको उतना, है ना? ऐसे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक रिएक्शंस रिएक्शंस हो जाएंगी। एक ऑर्गेनिक का यूनिट, एक फिजिकल का यूनिट, एक प्रॉपर बैलेंस बना रहे, सिलेबस भी कंप्लीट होता रहे और साथ साथ आपको थोड़ा वेरिएशन भी मिलता रहे। ये नहीं कि बस एक ही टाइप की चीज़ पढ़े जा रहे हैं, प्रॉपर अटेंशन आपके हाइड्रोकार्बन चैप्टर को अभी मिला, फिर इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स कल वन शॉट में फिनिश, फिर थर्मोकेमिस्ट्री फिनिश, फिर उसके बाद आपका स्टार्ट कर देंगे ऑर्गेनिक का ही कोई यूनिट। कूल है। अच्छा देखिए, बेंजीन रिंग हम समझ चुके हैं। पहले तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 होता है यार, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 होने के साथ साथ इसको हम क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। दूसरी बात, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस दिखाता है। एक ही एरोमेटिक सिस्टम तो बनी गया क्योंकि एरोमेटिसिटी की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, प्लस ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन यानी कि ESR भी दिखाता है। क्या दिखाता है? ESR दिखाता है, ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। बेटा देखो, यहाँ पर जो आपका बेंजीन है उसके पास 6-6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं कि नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यार ये तो काफ़ी इलेक्ट्रॉन रिच हुआ, खुद ही सोचो आप। यहाँ पर अंदर वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैसे भी वो फ्री मोबाइल घूमते रहते हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई घूमते ही तो रहते हैं, कभी इन दो कार्बन के बीच में, कभी यहाँ पर आ जाएंगे, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, है ना? तो आपका एक, तभी तो आप ऐसा सर्कल बनाते हो बेंजीन रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि कंटिन्यूस डीलोकलाइजेशन होता रहेगा। तो आपके पास ये जो पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है ये इस रिंग को, इस सिस्टम को इलेक्ट्रॉन रिच बना देती है। क्या बना देती है? इलेक्ट्रॉन रिच बना देती है। अब यार कोई इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो उसके पास कौन आएगा? तो मैं आपके साथ ये पूरे नोट्स ध्यान से सुनिएगा, ये जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूं, जो भी मेरे सामने लिखा हुआ है, पूरी की पूरी हाइलाइटेड एनसीईआरटी आपको मेरे टेलीग्राम पर मिलने वाली है। आई एम आकांक्षा कर्णवाल, मेरे नेम की सही स्पेलिंग, पूरी स्पेलिंग आपको चैट थंबनेल और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, उसी नाम के साथ आप टेलीग्राम पर मुझे ढूंढिए। सही से चेक कीजिए कि जो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर रहे हो उसकी लिंक में t.me/आकांक्षा कर्णवाल लिखा है, अदरवाइज बहुत सारे फेक टेलीग्राम्स भी आपको मिल जाएंगे। उसको ज्वाइन करने के बाद डायरेक्टली आप जो है मेरे इस ग्रुप में जुड़ जाएंगे, जहां पर आज जैसे ही सेशन एंड होगा मैं आपको ये PDF शेयर कर देने वाली हूँ, ठीक है? तो इसीलिए बहुत सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस हमारे बेंजीन रिंग के केस में देखने के लिए मिलते हैं। ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर। दूसरी बात, हमारे पास ये रही आपकी कुछ रिएक्शंस, दीज आर द सर्टेन सेट ऑफ रिएक्शंस, ये कुछ रिएक्शंस हैं जो आपको बेंजीन के साथ देखने के लिए मिलती हैं। पहला हमारे पास होता है, देखो ये आपकी बेंजीन रिंग है ना, यहाँ पर ये सारे के यहाँ पर जब आप Cl2 और AlCl3 लेते हो तो हमारे पास बनता है जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है, दैट इज Cl पॉजिटिव। अभी दो मिनट बाद मैं आपको ये मैकेनिज्म भी दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बनेगा Cl पॉजिटिव, तो ये बेंजीन रिंग में जाकर सब्सटीट्यूट हो गया। मैंने सिर्फ ना कलेक्टिवली यहाँ पर रिएक्शंस को लिखा है क्योंकि एग्जाम में मैकेनिज्म तो आएगा नहीं, सीधा सीधा आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना होगा, राइट? तो हमारे पास जब Cl2 और AlCl3 होते हैं तो बेसिकली क्या होता है, मैं आपको बताती हूं। यहां पर देखो Cl2 होगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, देखो Cl2 होगा प्लस AlCl3, या फिर मैं ऐसे भी दिखा सकती हूँ कि क्लोरीन क्लोरीन के बीच बॉन्ड होगा प्लस AlCl3 होगा। बेटा AlCl3 एक लुइस एसिड होता है। क्या होता है? लुइस एसिड। लुइस एसिड का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, जो चीज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो आसानी से क्या कर सकती है,
वो क्या करेगी, देखो यहाँ पर एक सीएल पॉजिटिव होगा, एक सीएल नेगेटिव होगा, जस्ट इमेजिन। तो ये क्या करेगी, सीएल नेगेटिव को ले लेगा, है ना, यहाँ से क्लोरीन को क्लोराइड के फॉर्म में, और आपके पास बन जाएगा AlCl4 नेगेटिव। AlCl4 नेगेटिव बनेगा और साथ साथ क्या बन रहा है, सीएल पॉजिटिव भी तो बच जाएगा। तो सीएल पॉजिटिव यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बचेगा जो कि आपका सब्सटीट्यूट हो जाएगा इधर ऑन दी बेंजीन रिंग। मैकेनिज्म जो यहाँ फॉलो होगा दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। आपने अगर रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़ा है, प्लीज रिएक्शन मैकेनिज्म जाकर देखिए, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, क्योंकि वहां पर डिटेल्ड मैकेनिज्म पूरा ड्रॉ कर दिखाया मैंने आपको। और उसमें मैं क्या करूंगी, आई आस्क द टीम कि वो जो है आपके साथ, मतलब मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम पर ही पूरा लिंक ट्री शेयर कर दूंगी, सच दैट आपको मेरे सारे ही सेशंस एक जगह मिल जाएं, सारे पीडीएफ एक जगह मिल जाएं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको पढ़ाया गया। फिर ऐसे ही कोई अल्काइल क्लोराइड है मान लीजिए, है ना, और उसमें भी आपने AlCl3 क्या लिया, आपका यहाँ पर लुईस एसिड की ही तरह काम करेगा ये भी। तो हमारे पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा बेटा वो होगा आर पॉजिटिव, है ना, क्योंकि AlCl3 वापस से एक सीएल नेगेटिव को लेगा, क्योंकि लुईस एसिड है ये, तो ये सीएल नेगेटिव को लेगा, AlCl4 नेगेटिव बनेगा और आर पॉजिटिव, तो आर पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर सब्सटीट्यूट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ये असाइलेशन होगा, असाइलेशन क्यों, क्योंकि जब एसिड क्लोराइड आप AlCl3 के साथ रिएक्ट कराओगे तो इसमें वैसे भी सीएल नेगेटिव AlCl3 के साथ चला जाएगा, AlCl4 नेगेटिव बनेगा और भाई RCO पॉजिटिव, तो ये आपका यहाँ पर सब्सटीट्यूट हो गया, ठीक है। फिर नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है दैट इज NO2 पॉजिटिव, ये रिएक्शन कहलाती है नाइट्रेशन रिएक्शन। तो वापस से NO2 पॉजिटिव इधर बेंजीन रिंग पर सब्सटीट्यूट हो जाएगा एंड हमारे पास नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। तो ये काफी इजी सेट ऑफ रिएक्शंस। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आता है, अरे देखो पहले वाले केस में यहां पर ये चला जाएगा। बेसिकली अगर आप बेंजीन का रिएक्शन कराते हो हाइड्रोजन निकल के साथ, तो ये क्या है, ये रिडक्शन करा देगा, हाइड्रोजनेशन कराएगा। तो बेटा जितने डबल बॉन्ड होते हैं ना सारे रिड्यूस हो जाएंगे, ये वाले डबल बॉन्ड पर हाइड्रोजन आ जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड पर हाइड्रोजन आ जाएंगे कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए, तो साइक्लोहेक्सेन आपके पास बन जाता है। अब अगर आप क्या कराओगे, इसका ओजोनोलिसिस कराओगे, डू यू ऑल रिमेंबर लास्ट क्लास में मैंने आपको ओजोनोलिसिस पढ़ाया था, ओजोनोलिसिस में आपको ये बताया गया था, देखो मैं यहाँ पर बेंजीन का ओजोनोलिसिस आपको कर दिखा देती हूँ, है ना, कि हमारा जो बेंजीन है भाई उसका ओजोनोलिसिस कैसे होगा ये आपको एक बारी कर दिखाते हैं। तो देखो हमारे पास क्या होता है, ये आपका डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट चल रहा है, क्या चल रहा है, डबल बॉन्ड इस तरह से ऑल्टरनेट चल रहा है यहाँ पर, कूल है। अब इसके बाद क्या होगा, मैंने तुम्हें बताया था ओजोनोलिसिस में तुम्हें क्या करना है, जितने भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहां दिखे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को डिसोसिएट करा दीजिए। तो बेटा मुझे यहां पर 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, तोड़ दो, आहा बड़ा मजा आएगा, आइए आइए मेरे साथ तोड़ते हैं इनको, चलो जी इसको तोड़ दिया, वाह मजा आ गया, इसको भी तोड़ दो, इसको भी तोड़ दो, बहुत बढ़िया, वाह वेरी गुड। बेटा तोड़ने के बाद आपको क्या करना है, लिख लो इनको क्या होगा, कार्बन यहाँ एक कार्बन का सिंगल बॉन्ड, देखो ये तो बच रहा है ना कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर इधर एक डबल बॉन्ड आएगा, इधर एक डबल बॉन्ड आएगा। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट कि यहाँ पर हर एक कार्बन आटम के साथ एक एक हाइड्रोजन तो जुड़ा ही हुआ है उनकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए, ठीक है, बताया था ना आपको ये कि जहां पर हमें क्या करना है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जब आप डिसोसिएट करा रहे हैं तोड़ रहे हैं तो साथ साथ आप यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ लगा देंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि साथ साथ आप कार्बन की वो जो दो वैलेंसी है ना वो ऑक्सीजन आटम से फुलफिल करा देंगे, यानी कि ऑक्सीजन एटम जो होगा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ओ बनाकर ये वाली वैलेंसी को पूरा कर देगा। तो आपके पास ऐसे 3 बॉन्ड है यार, तुम्हारे पास ऐसे 3 बॉन्ड है कि नहीं, तो हमारे पास ऐसे 3 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे और इनको हम ग्लायोक्सिल कहते हैं, क्या कहते हैं, इनको हम ग्लायोक्सिल कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल देम, वी कॉल देम ग्लायोक्सिल। तो ऐसा ऐसा 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, है ना, 3 आपके पास ये मॉलिक्यूल्स बन गए। सिमिलरली अगर तुम ओजोनोलिसिस, मतलब यहाँ पर आपने ओजोन डाला और सीधा पानी डाल दिया, तो एक्चुअली क्या होगा, ये फर्दर आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक, तो हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा, कूल है। ऑक्सैलिक एसिड के भी यहाँ पर आपके पास 3 मोल्स ही बनने वाले हैं। लास्टली अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर सल्फोनेशन हो जाता है, ये जो आप देख रहे हो ना सल्फोनिक ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप कहलाता है, सल्फोनिक ग्रुप, तो इसका सब्सटीट्यूशन हो जाएगा ऑन दी बेंजीन रिंग्स। तो अभी तक हमने काफी इजी रिएक्शंस देखे, आई बिलीव आप समझ गए होंगे, एंड साथ ही साथ ये सेम सेट ऑफ रिएक्शंस
अच्छा, डू यू वॉन्ट मैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको वन शॉट में करा दूं? क्योंकि मैम समझ आ गया, पढ़ लिया, बट क्वेश्चंस जब तक नहीं करते हैं फील नहीं आता है. तो हाउ मेनी ऑफ यू वुड वॉन्ट कि मैम पीवाईक्यूज करा दीजिए? तो देखिए, पूरी कोशिश करेंगे कि कल दोपहर 3 बजे आपकी क्लास रखें हम, स्पेशल क्लास. जैसे ही सेशन एंड होगा, पहले तो आपको मेरे टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाना है, क्योंकि मेरे टेलीग्राम पर लिंक आ जाएगी. आज का सेशन जैसे ही एंड होगा, मैं कमेंट सेक्शन में लिंक पिन करा दूंगी स्पेशल क्लास की, जो कल दोपहर 3 बजे होगी, जिसमें हम माइंड मैप प्रिपेयर कर लेंगे पूरा चैप्टर का, मतलब अल्कीन्स, अल्काइन्स और बेंजीन का, एंड साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेंगे. आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है, ये चैप्टर में. फिर इसके बाद प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन की अगर हम बात करें, डू यू रिमेंबर लास्ट क्लास में हमने ये रिएक्शन देखा था, जहाँ पर हमारे पास क्या होता है, अगर 3 एसिटाइलिन मॉलिक्यूल्स हैं तो एरोमेटाइज कर जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट कॉपर एंड आयरन इनटू द बेंजीन रिंग सिस्टम. ऐसे ही अगर आप यहाँ पर सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन करा दें, तो बेटा डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, CO2 ग्रुप बाहर निकल जाएगा. तो NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है, सोडा लाइम है. कौन? NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज वॉट, सोडा लाइम. तो इसके प्रेजेंस में CO2 ग्रुप बाहर निकल जाता है, तो दिस इज सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन. फिर क्या होता है, फिनॉल है, फिनॉल को जिंक डस्ट के प्रेजेंस में रिएक्ट करा दो, तो भी तुम्हारे पास क्या बनेगा, बेंजीन रिंग सिस्टम ही आएगा, ठीक है. तो ये भी आपका रिड्यूस हो जाएगा इनटू बेंजीन. नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ये बड़ी अच्छी सी रिएक्शन है, इसको ध्यान रखिएगा. देखो मेरे पास क्या है, बेंजीन, और अगर मैं इसकी हेलोजन यानी कि Cl2 क्लोरीन की यूवे लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराती हूँ, यूवी मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में, एक तरह से हाई टेम्परेचर पर, तो आप देखो यहाँ पर हेक्सा क्लोरो डेरिवेटिव बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन का, मतलब हाइड्रोजन के साथ साथ यहाँ पर सारे के सारे कार्बन आइटम्स पर कौन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, और सारे डबल बॉन्ड आपको ब्रेक करा देने, क्योंकि कार्बन की थर्ड वैलेंसी को यहाँ पर क्लोरीन सेटिस्फाई कर देगा. तुमने ये Cl2 डाला है ना, तो बेसिकली इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड. हेक्साक्लोराइड इसलिए क्योंकि 6 के 6 पोजीशंस पर हमारा क्लोरीन आटम आ गया, सो दिस इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड. इसके बाद बर्ड्स रिडक्शन हम डिस्कस करेंगे आज के क्लास में सबसे एंड में. पहले मुझे यहाँ पर एक अपना जरा थम्स अप कर बताओ, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वाकई सिंसियर हैं और NCERT अपने साथ लेकर आए, बताना जरा, शक्ल दिखा दो अपनी. बेटा मेरे को अपनी NCERT ऐसे कर दिखाओ कि मैम मैं लेकर आया हूँ NCERT. पहले NCERT रीड करना स्टार्ट करते हैं. दिखाना. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू, आप वाकई कितने सिंसियर हैं और सचमुच में NCERT लेकर आए हो कि बस ऐसे ही मैम. हाँ, परफेक्ट, वेरी गुड, शाबाश. चलिए जी, बहुत बढ़िया. तो हमारे पास क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो हाइड्रोकार्बन्स, पहली ही लाइन में मेंशन किया गया है कि हाइड्रोकार्बन्स वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जहां पर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरा तीसरा कोई एटम नहीं होना चाहिए, कोई हेट्रो एटम नहीं होता है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं. ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था. फिर क्लासिफिकेशन पर आइएगा. क्लासिफिकेशन में लिखा हुआ है दैट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड. भाई आपका जो हाइड्रोकार्बन है उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसे हैं, आप अपने कंपाउंड्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हो. एक तो होते हैं सैचुरेटेड और दूसरे होते हैं यार अनसैचुरेटेड. और फिर लास्ट हमारे पास आते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, दीज आर द 3 क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स दैट वी हैव. एक सैचुरेटेड जहां कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, एक अनसैचुरेटेड जहां कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, और एरोमेटिक तो आपने अभी अभी देखा, जैसे आपका बेंजीन रिंग सिस्टम या कोई भी बेंजीन का डेरिवेटिव. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम किसको कहते हैं आकांक्षा मैम, जहां पर हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है या फिर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, जहां सिंगल सिंगल बॉन्ड वाली बात हो रही है, वो सब कौन होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं. वहीं पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोस्त जहां कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड हो. अब मल्टीपल में डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है. फिर ऐसे ही हमेशा ध्यान रखिए कि कार्बन आटम जो होता है दैट इज टेट्रावेलेंट. कार्बन आटम कैसा होता है, टेट्रावेलेंट होता है. हाइड्रोजन इज मोनोवेलेंट, यानी कि कार्बन सिर्फ 4 ही बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम और हाइड्रोजन सिर्फ 1 ही बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, ठीक है. NCERT रीडिंग के हेल्प से हमारा एक तो NCERT में रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट क्या है आपको पता चल जाएगा, प्लस पूरा चैप्टर का रिवीजन भी हो जाता है. यहाँ चार्ट में देखने से मुझे पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स को वाकई ये चैप्टर अच्छे से आता है ना. तो जो हमने सीखा है वही यहाँ पर है,
उसी को हम यहाँ पर वापस एक तरह से रिवाइज कर रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया कि यार जहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, याद है आपको अल्केन्स सबसे पहले हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था, अल्केन्स कौन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो। अब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो मतलब जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, राइट। अब उसमें सबसे छोटा कंपाउंड कौन आएगा, मीथेन आएगा। बेटा मीथेन जो है पहला मेंबर होता है इस फैमिली का, मीथेन इज दी फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली, ठीक है। मीथेन क्या है, पहला मेंबर है इस फैमिली का, कूल है। अब देखो ये तुम्हारे पास रहा मीथेन, है ना, ये कौन है, ये है आपका मीथेन। अब मीथेन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करा दूं, भाई मीथेन में से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल लो, तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, CH3 बनेगा कि नहीं, तुम्हारे पास CH3 बनेगा। तो यार यही जो आपका CH3 होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज मिथाइल। मीथेन में से, मीथेन यानी कि CH4 में से एक हाइड्रोजन एटम कम कर दें तो जो हमारे पास बनता है वो क्या कहलाता है, मिथाइल कहलाता है। तो CH4 में से एक हाइड्रोजन एटम सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या बनेगा, CH3 यानी कि मिथाइल बन जाएगा। कह दो जी यस आकांक्षा मैम, बहुत बढ़िया। फिर हमारे पास क्या आता है नेक्स्ट, यार ये देखो ये तो स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन बताया, स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन तो आप कहां पढ़ते हो, केमिकल बॉन्डिंग में, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाई हुई है। बॉन्ड एंगल कितना होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, 109 डिग्री। दो बॉन्ड्स इन द प्लेन होते हैं, बाकी के दो आउट ऑफ द प्लेन होते हैं। पढ़ा है आपने कि नहीं, कहां पर पढ़ा है आपने, ये हमने सीखा है, वेयर, ये हमने सीखा है मैम, केमिकल बॉन्डिंग में। और नॉमनक्लेचर आइसोमेरिज्म वाला पार्ट हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नॉमनक्लेचर आइसोमेरिज्म आपका अलग से, हमने पूरा चैप्टर में पूरा अलग से चैप्टर डिस्कस किया है, तो इसमें जो लिखा है उससे तो कहीं ज़्यादा हम पढ़ चुके हैं नॉमनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। अच्छा उसके बाद प्रेपरेशन कैसे की जाती है आपके अल्केन्स की, तो सबसे पहले तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब अल्कीन्स या अल्काइन्स का हाइड्रोजनेशन कराकर अल्कीन का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो देखिए डायहाइड्रोजन यानी कि H2 गैस अगर हम ऐड करते हैं टू अल्कीन्स एंड अल्काइन्स इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट लाइक प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल, बताया था ना कि प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल किसी के भी प्रेजेंस में तो अल्केन बन जाते हैं, और ऐसी रिएक्शंस हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहलाती हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि मेटल हम यूज कराते हैं एडसॉर्प्शन के लिए, मेटल होता है सरफेस प्रोवाइड करने के लिए रिएक्शन को। दूसरी बात, प्लैटिनम और पैलेडियम रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं एट रूम टेम्परेचर, ये भी आपके नोट्स में लिखा है कि प्लैटिनम और पैलेडियम हमारे यूज होते हैं एट रूम टेम्परेचर, और बाकी अगर आप निकल यूज करना चाहते हो एज कैटलिस्ट तो आप टेम्परेचर को बढ़ा दें, आप क्या करें टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें अगर आप निकल को यूज करना चाहते हो एज कैटलिस्ट। फिर उसके बाद क्या होता है उसको भी समझिए, बेटा ये इथीन है, इथीन में हाइड्रोजनेशन कराओगे तो इथेन बन जाएगा कि नहीं, ऐसे ही प्रोपीन का हाइड्रोजनेशन कराओगे प्रोपेन बन जाएगा कि नहीं, प्रोपाइन, यार यहाँ पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो इसका भी हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कंप्लीट हाइड्रोजनेशन में पहले स्टेप में अल्कीन देगा और सेकेंड स्टेप में क्या बनाएगा, अल्केन बनाएगा। पहले स्टेप में अल्कीन, सेकेंड स्टेप में अल्केन बन जाएगा, आहा, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। दूसरी रिएक्शन हमें देखने के लिए मिलती है अल्काइल हैलाइड्स के साथ। डू यू रिमेंबर मैंने आपको रिएक्शन पढ़ाई भी थी, मैंने आपको बताया था कि होता क्या है, देखो यहां पर ये जो जिंक है भाई, जिंक एक काफी रिएक्टिव मेटल होता है, तो फटाफट से जिंक का हो जाता है ऑक्सीडेशन, ये करेगा दो इलेक्ट्रॉन्स लूज और यहां पर इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन होगा, जैसे ही यहां से दो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, होता क्या है तुम्हारे पास RCl, इस वाले बॉन्ड का एक तरह से होमोलिटिक क्लीवेज होगा, R के पास एक इलेक्ट्रॉन, Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन, और दो इलेक्ट्रॉन इधर है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, R नेगेटिव बनेगा, Cl नेगेटिव बनेगा। अब यहां पर मीडियम में ऑलरेडी तुम्हारे पास H पॉजिटिव है, तो ये जो R नेगेटिव है ये H पॉजिटिव ले लेगा और क्या बना देगा, RH बन जाएगा, यानी कि अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां इन्होंने मिथाइल क्लोराइड का एग्जांपल लिया है और मीथेन बनाकर दिखाया, तो ये पहली रिएक्शन जो आप जहाँ से अल्काइल हैलाइड बना सकते हो, ऐसे इन्होंने और एग्जांपल्स दिए हैं क्लोरोइथेन और क्लोरोप्रोपेन के। फिर यार ये तो सबको ध्यान होगी, आपकी बड़ी फेवरेट कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्ट। डू यू वॉन्ट कि एनसीईआरटी रीडिंग हम करें बाकी सब चैप्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, या आपको लगता है मैम ये तो ईजी है? देखो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सभी चैप्टर्स के लिए आपको एनसीईआरटी रीड करा दें, और इन केस में किसी चैप्टर के एनसीईआरटी रीडिंग अगर नहीं भी करा रही होगी तो अपने टेलीग्राम पर हाईलाइटेड एनसीईआरटी जरूर आपको दे दूंगी, तो आप उसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो
वुड्स रिएक्शन आपको ध्यान होगा बेटा, ये एनसीईआरटी रीडिंग में मजा उसी को आएगा जिसने डिटेल में चैप्टर सीखा होगा। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने दो सेशंस के साथ ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया है। डिटेल में पढ़ोगे तो आपको ये बहुत ही ईजी लगेगा। सारा इनका मैकेनिज्म वगैरह सब हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। ये तो रीडिंग चल रही है, जो हमने सीखा है उसको शॉर्ट में कैसे रिवाइज कर सकते हो आप एनसीईआरटी से। और एनसीईआरटी में कुछ कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो हमने अपने मेन सेशन में पढ़ी नहीं है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का क्या वेरिएशन होता है, वो आपके लिए आपको यहाँ पर देखना है। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, अल्काइल हैलाइड है ना, अल्काइल हैलाइड विद सोडियम मेटल। तो हमारे पास यहाँ पर 2NaBr यहाँ से निकल जाएगा बेटा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और इथेन बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, ये मैंने आपको पहले भी सिखाया इफ़ यू रिमेंबर। तो जी हमारे पास एक अल्काइल क्लोराइड होगा, ये एक अल्काइल क्लोराइड मॉलिक्यूल। फिर आपके पास यहाँ पर दो सोडियम मेटल 2Na प्लस एक और अल्काइल क्लोराइड RX। कूल है जी। फिर यहाँ से 2NaX बाहर, ये लो 2NaX को बाहर निकाल दें जी, निकल गया आपका 2NaX बाहर, माइनस 2NaX। ठीक, और R के बीच में सिंगल बॉन्ड, अल्केन बन जाएगा आपका। इसी को क्या कहते हैं, वुड्स रिएक्शन कहते हैं। वुड्स रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है। ड्राई ईथर इज यूज्ड एज दी सॉल्वेंट। ऑल्सो यहाँ से सिमेट्रिकल अल्केन्स का फॉर्मेशन कराया जा सकता है। क्या बनाते हैं हम, सिमेट्रिकल अल्केन बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से भी बना सकते हैं डीकार्बोक्सिलेशन कराकर, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। अगर मैं यहाँ से क्या बोलते हैं इसको CO2 गैस बाहर निकाल दूँ तो क्या बनेगा, मीथेन बन जाएगा। कूल है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है कॉल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस, जहाँ पर मैंने आपको इसका पूरा मैकेनिज्म भी हमने डिस्कस किया था। एंड अगेन यहाँ पर आप 2 moles लेते हो, और ध्यान रखना कॉल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस से भी आपके पास सिमेट्रिकल अल्केन ही बनता है। क्या बनता है, सिमेट्रिकल अल्केन बनता है। आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको बताया था गिलमैन रिएजेंट है ना, रिएक्शन का नेम बताओ कौन सी रिएक्शन होती है, गिलमैन रिएजेंट से आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्केन बनता है। अदरवाइज यहां पर भी आपके पास सिमेट्रिकल अल्केन ही बनेगा, एंड रिएक्शन का मैकेनिज्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर ध्यान रखना कि अल्केन्स ना ऑलमोस्ट नॉन पोलर होते हैं, ये आप ध्यान से सुने, अल्केन्स जो है ऑलमोस्ट नॉन पोलर होते हैं। क्यों, क्योंकि अल्केन में सिर्फ और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। देखो आप पोलर किसको कहते हो, अगर मैं कह रही हूँ कि ए और बी के बीच का जो बॉन्ड है वो पोलर है, बट अब पोलर का मतलब ही होता है कि इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है मतलब मैं कह दूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए है ना। आहा, तो फिर क्या होगा, तो फिर ऐसा होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर इनके बीच में 2 electrons शेयर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी ज्यादा है तो हमारे ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं बी के पास चले जाएंगे, यानी भाई दोनों इलेक्ट्रॉन्स बी के पास चले जाएंगे और हमारे पास यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी कि किसी बॉन्ड के पोलर होने के लिए जरूरी है कि वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में डिफरेंस हो। लेकिन अगर हम देखते हैं अल्केन्स का केस, अल्केन में आप मान लें कि सबसे सिंपल केस लेकर चलें तो होता है किसका, मीथेन का केस, जहां पर आपके पास CH4 बॉन्ड बना होता है। अब होता क्या यार, यहां पर ये जो बॉन्ड्स है ना, ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज वेरी क्लोज टू ईच अदर होती है। ऐसा मान लें कि अगर हाइड्रोजन की 2 होती है तो कार्बन की 2.1 होती है, मतलब कार्बन जस्ट स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जब यहां पर कोई खास इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में ही डिफरेंस नहीं है तो ओवरऑल आपका कंपाउंड नॉन पोलर की कैटेगरी में रखा जाता है। क्या कहते हैं कि हमारा जो ओवरऑल कंपाउंड है दैट इज नॉन पोलर। ठीक है, वेरी तो यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता है कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स के बीच। दे पोजेस वीक वैन डर वाल फोर्सेस ड्यू टू द वीक फोर्सेस द फर्स्ट 4 members। ठीक है, तो यहाँ पर यार अब इनके बीच में कोई प्यार तो चल नहीं रहा ज़्यादा खास है ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है नहीं। तो जब चार्जेस नहीं है, पोलैरिटी नहीं है, तो डायपोल डायपोल इंटरैक्शन नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्बिक फोर्सेस यहाँ पर नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ वीक वैंडरवॉल फोर्सेस ही काम कर पाते हैं, और बेसिकली इसी वजह से वीक वैंडरवॉल फोर्सेस होने की वजह से, यानी वीक बॉन्डिंग होने की वजह से कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे गैसेस होते हैं। ऐसे ही कार्बन 5 से लेकर कार्बन 17 वाले सारे क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, और उससे ऊपर वाले
समझ रहे हो बात को? 1 से लेकर 4 कार्बन 1 टू 4 आर गैसेस, कार्बन 5 टू 17 आर लिक्विड्स, एंड उससे ऊपर वाले यानी कि जिनके पास 18 कार्बन एटम्स या उससे ज्यादा है वो सारे सॉलिड्स होते हैं। समझ रहे हैं आप? कार्बन 1 टू कार्बन 4 गैसेस होते हैं, कार्बन 5 टू कार्बन 17 लिक्विड्स होते हैं, और उससे ऊपर वाले सारे के सारे सॉलिड्स होते हैं। तो बस ये छोटी सी बात आपको यहाँ पर अंडरलाइन और हाईलाइट मैंने कर दी है, बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें से। फिर इसके बाद इधर आ जाएं, देखो नॉन पोलर तो होते ही हैं, साथ साथ हाइड्रोफोबिक भी हैं। हाइड्रोफोबिक क्यों है? हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज हाइड्रोफोबिक? देखो मैं कह रही हूँ कि ये अल्केन है और ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक है मतलब इसको पानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसको पानी से प्यार नहीं होगा, ठीक है? तो वाटर अगर इसके पास आएगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल को एक्चुअली रिपेल करने वाला है, अट्रैक्ट की जगह रिपेल करेगा। रिपेल क्यों करेगा? क्योंकि देखिए जो वाटर होता है, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। हम सब जानते हैं कि मैम वाटर का ऐसा शेप होता है, बेंट शेप, और दो लोन पेयर्स रहते हैं। बाकी यहां पर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। अब सिंस ऐसा होता है, सिंस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। ऐसा ही होगा कि नहीं? हाँ जी मैम। तो यार पोलैरिटी डेवलप हो गई बॉन्ड्स में कि नहीं? हाँ जी हो गई, है ना? तो आपका ये मॉलिक्यूल ओवरऑल एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये एक डायपोल है। तो पोलर होने की वजह से, राइट, क्योंकि ये पोलर है, ये तो नॉन पोलर है। अब पोलर पोलर आपस में अट्रैक्शन होगा, है ना? चार्ज चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा। ये नॉन पोलर, ये पोलर, इनके बीच में कोई प्यार नहीं हो पाएगा। देयरफोर ये जो है हाइड्रोफोबिक, यानी कि वाटर रिपेलिंग होता है। क्या करता है? वाटर को रिपेल करता है, क्योंकि लाइक डिजोल्व इन लाइक, तो डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। फिर इसके बाद ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, और यहां से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यार यहां से PYQs देखने के लिए मिलते हैं। क्या लिखा है ध्यान से देखिए, कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका? अल्केन्स का। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। ध्यान से सुनो प्लीज, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि जो अल्केन्स होते हैं, अल्केन्स, उनका बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास के इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज होता है। समझ रहे हो? इसका मतलब ऐसा पहले क्यों होता है? क्योंकि जहां पर आपका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा वहां पर वैंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा होंगे, राइट? एंड वैंडरवॉल फोर्सेस, मैं आपको ना ये रिलेशन लिखकर बता देती हूँ। देखो ये क्या कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट अगर आपको चेक करना है तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। ऑल्सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सर्फेस एरिया, यानी एक मॉलिक्यूल जितनी ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर किसी का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है तो उसमें एक्चुअली वैंडरवॉल फोर्सेज, या फिर द अदर वे अराउंड, जहां वैंडरवॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, तो वहां पर आपका ऑब्वियसली बात है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और तो यहां पर कुछ लग नहीं रहा, वीक वैंडरवॉल फोर्सेज लग रहे हैं, तो जहां ज्यादा स्ट्रांग लगेंगे, भाई बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? आप कोई चीज बॉइल कर रहे हो, बॉइल कर रहे हो कि मतलब तुम्हें वहां पर बॉन्ड्स को तोड़ना है, है ना? आपको बॉन्ड तोड़ने, आप बॉन्ड ब्रेक करा रहे हो बॉइलिंग के समय। आप एक लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड्स के बॉन्ड ब्रेक करोगे, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ोगे, सच दैट मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाए। तो फोर्सेस कौन से हैं? वैंडरवॉल, इन्हीं को तोड़ोगे कि नहीं? तो भाई अगर ये स्ट्रांग होंगे तो टेम्परेचर ज्यादा लगेगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो यहां से आपको ध्यान रखना है दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सर्फेस एरिया। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे पास तीन चार, हमें जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। देखो यार जैसे ये टेबल बनी हुई है ना नीचे यहाँ पर, अब आप इस टेबल को अगर देख पा रहे हो, जैसे मीथेन है, है ना? जैसे तुम्हारे पास मीथेन है, मीथेन का मोलर मास कितना है? 16। ऑल्सो मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 111 केल्विन। कितना है? 111 केल्विन है। तो यार इसका जो बॉइलिंग, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 16, एंड इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 111 केल्विन। ऐसे जो आपका इथेन है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 3030, और बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 184। फिर देखो प्रोपेन, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमें यार कार्बन चेन ही तो बढ़ाते जा रहे हैं, है ना? तो जैसे जैसे मैं हायर अल्केन पर मूव कर रही हूँ, मेरा जो है मोलर मास तो बढ़ ही रहा है, साथ साथ मेरा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा है। तो यार एग्जाम में अगर मैं तुम्हें मीथेन प्रोपेन और मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन दे दूँ, है ना, एग्जाम में अगर आपको मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन मिल जाए तो समझ जाओगे ना किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो मैम जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, सिंपल, है ना? जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। बट जस्ट इमेजिन अगर मैं तुम्हें दो आइसोमर्स दे दूं, है ना? आइसोमर्स मतलब जैसे पेंटेन,
पेंटेन का ही आइसोमर होता है 2-methyl-butane और 2,2-dimethyl-propane. इसका मतलब क्या है कि एक तो जी हमने आपको दे दिया कुछ इस तरह. क्या देखो, कार्बन कार्बन के बीच में 5 bonds आप बना दें, कार्बन कार्बन 5 bonds है ना. फिर हमारे पास यहाँ पर आएगा CH3, सारे कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दो, H2 H2 H2. तो बेटा ये क्या है, पेंटेन है ना. व्हाट इज दिस, दिस इज पेंटेन. उसके बाद हमारे पास क्या होता है, देखो 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 देखो, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, अगर मैं इसका आइसोमर बना दूं, आइसोमर मतलब कार्बन की 4 chains यहाँ पर और यहाँ मिथाइल लगा दो, और इसमें भी H3, इधर भी H3, इधर H और इधर H2 लगा दो, तो यार ये इसका आइसोमर बन गया कि नहीं भाई, ये तो पेंटेन है ना. और ये क्या है, 2-methyl-butane है. लेकिन यहाँ पर जितने कार्बन एटम्स हैं उतनी ही कार्बन एटम यहाँ है, चेक करो, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. सो वी हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हियर, कार्बन 5, हाइड्रोजन चेक कर लो, बाय 3+2, 5, 5+2, 7+2, 9, 9+3, 12. तो यहाँ पर 12 हाइड्रोजन्स हैं. यहाँ पर भी आप चेक करेंगे तो 3+1, 4+2, 6, 6+3, 9, 9+3, 12. यहाँ भी 12 ही हाइड्रोजन है. तो दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन रहा है सेम टू सेम, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन है, C5H12 C5H12 है ना. तो फिर अब किसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, तो मैम यहाँ तो दोनों का ही मोलर मास सेम होगा. मोलर मास किससे आता है भाई, कार्बन 5 × 60 + 12 × 1 करोगे, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम. ध्यान रखिएगा कि हमारे पास क्या होता है, जो आपका क्या होती है बताओ, बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग. यानी कि अगर ब्रांचिंग ज़्यादा हुई होगी, क्या ज़्यादा हुई होगी, ब्रांचिंग अगर ज़्यादा हुई होगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है. ठीक है, जहाँ ब्रांचिंग ज़्यादा होगी वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. तो इसका मतलब यार बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस, मानते हो, यहाँ पर ब्रांचिंग ज़्यादा है ना, देयरफोर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा. क्योंकि यहाँ देखो क्या होगा, बिकॉज ब्रांचिंग नहीं हो रही है, बहुत ऐसा पूरा पूरा सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेगा, यहाँ पर ब्रांचिंग हो रही है तो कंपैरेटिवली मॉलिक्यूल श्रिंक कर जाएगा, राइट. तो हमारे पास ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि पेंटेन विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद फिर आपका दूसरा वाला आइसोमर, फिर थर्ड वाला आइसोमर. दैट मींस देखो मैंने एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लिख दिया है कि जी आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग. फिर इसके बाद ये वाली सेट ऑफ रिएक्शंस तो हमने पहले ही पढ़ी है आपके डिटेल्ड सेशन में, कौन सी रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. पहली रिएक्शन है आपकी हैलोजिनेशन रिएक्शन. यहाँ पर क्या होता है, अगर आप वेरी हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, हेलोजन्स के साथ है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपके पास हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होता चला जाता है हेलोजन से. मतलब यहाँ पर एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ गया, फिर एक और हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ गया, करते करते एंड में सारे के सारे क्लोरीन, आप सारे के सारे हाइड्रोजन CH4 से, देखो 4 hydrogen एंड तक पहुँचते पहुँचते चारों रिप्लेस हो जाएंगे बाय हेलोजन एंड CCl4 विच इज कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन हो चुका है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फिर हमारे पास अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, इट इज फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्केन्स विद हैलोजन, इट इज फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्केन्स विद हैलोजन इज दिस. सबसे ज्यादा देखो एक्चुअली क्या है, यहां पर अगर आपसे पूछे कि अल्केन और हेलोजन को लिया जाएगा तो कौन से हेलोजन के साथ सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिएक्टिविटी होती है, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, मतलब डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीजेस. लेकिन फिर भी हम फ्लोरिनेशन नहीं करवाते, फिर भी हम आयोडिनेशन नहीं करवाते. आप ज्यादातर दो ही एग्जाम्पल्स देखोगे, एक क्लोरीन का और एक ब्रोमीन का. फ्लोरिनेशन क्यों नहीं करवाते, बिकॉज इट इज टू वायलेंट. फ्लोरिनेशन इज अ वेरी वेरी वायलेंट रिएक्शन, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. मतलब फ्लोरिनेशन का मैंने बताया था ना रेट बहुत ज्यादा होता है, तो जैसे ही फ्लोरिनेशन होगा बहुत धमाकेदार रिएक्शन होगी और बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी अचानक से. ठीक है, जो अब आपकी फ्लोरिनेशन रिएक्शन होती है, कूल है, तो इसलिए हम कराते ही नहीं, ऐसी धमाका तो नहीं चाहिए आपको, है ना. फिर उसके बाद आयोडिनेशन. आयोडिनेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत धीमे 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 होले होले रिएक्शन होती है. प्लस चलो धीरे धीरे से तो हम डील कर लेंगे, देखते हैं कितना टाइम लगेगा. लेकिन आयोडिनेशन के साथ एक और प्रॉब्लम है, पूछ सकते हैं एग्जाम में, दैट इज रिवर्सिबल. यानी कि जब आप रिएक्शन कराते हो ना आयोडीन के साथ, जैसे ये रहा आपका अल्केन, भाई तुमने आयोडीन के साथ रिएक्शन कराई, ठीक है, एक हाइड्रोजन की जगह आयोडाइड आ जाएगा, कूल. लेकिन एक और प्रॉब्लम है यहाँ पर, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, क्या बोलते हैं, मतलब
यहाँ पर हाइड्रोजन को आयोडीन ने रिप्लेस कर लिया, लेकिन ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। आप देख रहे हो इक्विलिब्रियम का साइन, बेटा इक्विलिब्रियम का साइन तो रिवर्सिबल रिएक्शन में ही आ सकता है। रिवर्सिबल मतलब जो फॉरवर्ड भी जा सके और जो बैकवर्ड भी जा सके। तो इसका मतलब ये बनेगा प्रोडक्ट और फिर से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। प्रोडक्ट बन रहा है फिर से बैकवर्ड, प्रोडक्ट बन रहा है फिर से बैकवर्ड। सच रिएक्शंस आर नॉट वेरी फिजिबल रिएक्शन, तो हम ये नहीं करवाते, हम ये नहीं होने देते। आयोडिनेशन हम करवाते नहीं, कोई फायदा नहीं हो रहा, पर प्रोडक्ट बन रहा है फिर से बैकवर्ड जा रही है रिएक्शन, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फिर इसके बाद हमारे पास मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, रिएक्शन आखिरकार हो कैसे रही है। तो मैंने आपको हमेशा बताया, देखो सोचना भी नहीं आपको, जब भी रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में कराई जाए, किसके प्रेजेंस में कराई जाए, एच न्यू होता है सनलाइट। अगर रिएक्शन को सनलाइट यानी कि एच न्यू के प्रेजेंस में कराया जा रहा है, पक्का ही रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड करेगी। कैसे होगी आपकी रिएक्शन? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से आपकी रिएक्शन प्रोसीड कर जाने वाली है। कूल है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है? पहला स्टेप होता है द इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन में क्या करते हैं, जहां पर आपका बॉन्ड्स का होमोलिटिक क्लीवेज होता है, जैसे क्लोरीन है, इसके बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। नेक्स्ट होता है प्रोपगेशन स्टेप, जहां पर जो रेडिकल्स बने हैं वो चेन का इलोंगेशन कराते हैं, चेन बनाते हैं, चेन बढ़ती है यहां से, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जैसे आपका मीथेन है, अब ये यहां पर ये जो क्लोरीन रेडिकल है यहां से क्या करेगा, देखो यहां पर हमारे पास ये जो मीथेन है इसमें एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होगा इस तरह से, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बनाकर दिखा देती हूँ कि जी हमारे पास क्या होने वाला है। यहां पर ये जो आपका मीथेन है ना, ऐसा CH4 बॉन्ड बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये जाएगा, जब इसके पास यहां पर क्लोरीन फ्री रेडिकल आएगा, इसको देखकर यहां पर भी होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा, और हमारे पास ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में क्या हुआ, होमोलिटिक क्लीवेज। जब होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो तुम्हारे पास एक तो मिथाइल का रेडिकल बनेगा, मानते हो, देखो एक तो मिथाइल रेडिकल बन जाएगा यहां पर। दूसरी बात, हमारे पास ये हो गया H और यहां पर आ गया क्लोरीन, है ना, ये है एच और यहां पर आ गया क्लोरीन, और फिर इसके बाद हमारे पास HCl के बीच में बॉन्ड बन जो, तो फिर बॉन्ड बन जाएगा HCl का। तो ये रहा मिथाइल फ्री रेडिकल, एक तो आपका मिथाइल रेडिकल बन गया और भाई इधर HCl बन गया। ओके, यस मैम, ठीक है। अब ये जो आपका मिथाइल का फ्री रेडिकल बना है, ये देखो ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल बना है फिर से ऐसे आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब ये क्लोराइड रेडिकल के साथ मिलकर फिर मिथाइल क्लोराइड बना लेता है। तो इस तरह से आपकी चेन जो है आगे बढ़ती रहेगी। अब अगर आपको चेन को टर्मिनेट कराना है, देखो ये रिएक्शन आगे बढ़ती रहेगी, क्यों, क्योंकि कार्बन क्लोराइड रेडिकल, क्लोरीन का रेडिकल तो पड़ा ही है तुम्हारे पास। अब ये जब जब यहाँ तक आता रहेगा, तो पहले एक हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा था, फिर दूसरे हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूटेगा, फिर थर्ड फोर्थ, चारों हाइड्रोजन के बॉन्ड्स धीरे धीरे आप तोड़ सकते हो, मतलब कि एक एक कर मोनो सब्स्टिट्यूशन, डाई सब्स्टिट्यूशन, ट्राई सब्स्टिट्यूशन, टेट्रा सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन्स आप करा सकते हैं। लेकिन अगर आप चेन को बंद कराना चाहते हो, रिएक्शन को स्टॉप कराना चाहते हो, यानी टर्मिनेट करना चाहते हो, तो टर्मिनेशन में क्या होता है उसको समझिए कि भाई अगर मैं दो रेडिकल्स को एक साथ मिला दूं, जैसे कि क्लोरीन क्लोरीन रेडिकल मिलकर क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड, चेन खत्म हो जाएगी, है ना भाई। ये जो रेडिकल्स बना रहे हैं इनको ही मैं रेडिकल रेडिकल एक साथ, तो रेडिकल रेडिकल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर बना लेंगे, ऐसे ये देखे चेन टर्मिनेट हो गई। चेन टर्मिनेशन का मतलब होता है एक ऐसा स्टेप जहाँ पर रेडिकल ना बने, जिसके कॉम्बिनेशन के बाद रेडिकल ना बने। जैसे आप ये देख रहे थे, तो यहाँ पर जब ये जो है इसका रेडिकल बन रहा था, तो साथ में हमारे पास एक ये नया रेडिकल बनकर आता है, यहाँ फिर से रिएक्शन में रेडिकल बन गया, है ना। बट टर्मिनेशन स्टेप में कोई रेडिकल नहीं बनता है प्रोडक्ट में, तो रिएक्शन वहीं के वहीं स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, खत्म हो जाती है। तो चेन को अगर रोकना है तो हम क्या कराते हैं, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप्स होते हैं। तो ये तीनों में से कोई भी आप, ये सब के सब क्या है, दीज आर ऑल पॉसिबल टर्मिनेशन स्टेप्स, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप्स। फिर लास्ट रिएक्शन आती है भाई, कंबस्चन रिएक्शन। अब देखो कंबस्चन में क्या होता है, कंबस्चन में तुम्हारे पास कोई भी अल्केन होगा, क्या होगा, कंबस्चन में तुम्हारे पास जो भी अल्केन है, कंप्लीट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवा दो। कंप्लीट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कैसा भी अल्केन हो,
कैसा भी अल्केन हो, एक कार्बन वाला, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार, पांच, छह, दस, लेकिन हमेशा ही अगर कंप्लीट कंबस्टन होगा तो दो ही प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक CO2 और एक वाटर। कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनेंगे? जितने अल्केन में कार्बन होंगे, जैसे देखो यहाँ पर एक कार्बन है, एक CO2 बन रहा है, यहाँ फोर कार्बन है तो फोर CO2 बन रहे, जितने कार्बन उतने CO2। कूल है जी, ये उसकी जनरल रिएक्शन लिखी हुई है। दूसरी बात, ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ड्यूरिंग कंबस्टन, क्योंकि ये जो आपका कंबस्टन प्रोसेस होता है ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एकदम धमाकेदार रिएक्शन होती है, तो ये जो आपका कंबस्टन प्रोसेस होता है, सिंस इट इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, इसी वजह से अल्केन्स को हम फ्यूल के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। किसके तौर पर यूज़ कर सकते हैं? वी कैन यूज़ अल्केन्स एज फ्यूल्स, ठीक है, अल्केन्स को फ्यूल के तौर पर यानी कि फ्यूल की तरह भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद यार ये देखो, अगर इनकम्प्लीट कंबस्टन हो जाए तो, देखो कंप्लीट कंबस्टन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, बट अगर कंबस्टन इनकम्प्लीट हो तो सिर्फ कार्बन सॉलिड बन रहा है। क्या बन रहा है? सिर्फ यहाँ पर कार्बन ब्लैक बन रहा है। ऐसे ही अब आप क्या करा सकते हो? कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन भी करा सकते हो। यार ये वाली रिएक्शन थोड़ी रट्टाफिकेशन वाली रिएक्शन हैं, बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल की कर लेना, क्योंकि NCERT में लिखी हुई हैं। अब इसमें क्या है, देखो आपने सीखा था ना, एक तो होता है कंप्लीट हाइड्रोजनेशन, एक होता था कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन। कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन जो आप पलाडियम BSO4 कैल्शियम कार्बोनेट सल्फर क्विनोलिन के प्रेजेंस में करा रहे थे, तो ऐसे ही एक तो होता है ऑक्सीडेशन, कंप्लीट कंबस्टन होगा तो मतलब CO2 और वाटर बनेगा, इनकम्प्लीट होगा तो कार्बन मोनोक्साइड बन सकता है, कार्बन ब्लैक बन सकता है। लेकिन अगर हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराते हैं, यानी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं, जैसे कि कॉपर और कुछ हाई टेम्परेचर कर दिया आपने, या फिर मोलिब्डेनम का ऑक्साइड ले लिया, या फिर आपने मैंगनीज का ऐसे एसिटेट सॉल्ट ले लिया, तो फिर यार तुम्हारे पास ऐसे रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ मीथेनॉल बनता है, यहाँ मीथेनॉल बनता है, और यहाँ पर इथेनोइक एसिड बनता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, है ना। Ordinarily alkanes resist oxidation, but alkanes having tertiary hydrogen atom can be oxidized to the corresponding alcohol by potassium permanganate. कह रहे हैं कि देखो जी, नॉर्मली जो अल्केन्स होते हैं उनमें ऑक्सीडेशन नहीं होता, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई टर्शरी यानी कि 3 डिग्री अल्केन होगा तो देखो वो क्या है, KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में यहाँ पर एल्कोहल बना लेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ ऑक्सीजन आटम आ जाएगा और ये कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एल्केन से एल्कोहल बन जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट विच इज KMnO4। आइसोमराइजेशन रिएक्शंस, ये रिएक्शंस मैंने आपको लिखवाई थी कि नहीं, जब हम अल्केन्स चैप्टर पूरा फिनिश कर रहे थे, फर्स्ट क्लास को ध्यान करिए, उसमें आखिरी रिएक्शन यही थी, बिल्कुल सेम टू सेम मैंने लिखा था कि एनहाइड्रस AlCl3 और HCl के प्रेजेंस में जैसे नॉर्मल हेक्सेन है तो ये अपने आइसोमर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद एरोमेटाइजेशन में बनती है एरोमेटिक रिंग, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास क्या है, N हेक्सेन है, नॉर्मल ओपन चेन ही है ना, क्लोज नहीं है, ऐसे मैं इसको सीधा भी लिख सकती थी, तो ये क्रोमियम या वेनेडियम या मोलिब्डेनम के ऑक्साइड के प्रेजेंस में इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं। फिर इसके बाद देखिए द रिएक्शन विद स्टीम, स्टीम के साथ कैसी रिएक्शन होगी। बेटा स्टीम का मतलब क्या होता है कि पानी लिया और उसकी वेपर्स बना दी, है ना, स्टीम जिसको हम बोलते हैं, तो स्टीम के साथ अगर रिएक्शन होती है तो हमारे पास बेसिकली दिस इज द इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहाँ से क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है, और ये हाइड्रोजन गैस के बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड भी कहलाता है, तो इसीलिए मैंने इस बात को यहाँ पर हाईलाइट किया है कि देखो CH4 और पानी के साथ रिएक्ट कराओ, निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में थोड़ा सा थर्मल डिकम्पोजिशन यानी थोड़ी सी हीटिंग करा दो, कार्बन मोनोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस, तो आपकी हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो जाती है। क्या रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। पायरोलिसिस, नाउ व्हाट इज पायरोलाइसिस, पायरोलाइ देखो लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, तो अगर मैं हायर एल्केन्स को लोअर एल्केन या अल्कीन में डिकम्पोज करा दूँ, मान लो जैसे कि मेरे पास क्या बोलते हैं, लेट्स से मेरे पास पेंटेन है, और पेंटेन को अगर मैं प्रोपेन या प्रोपेन ईथीन ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ दूँ, यानी कि लोअर अल्केन्स और अल्कीन्स में अगर तोड़ दूँ, तो मेरे पास वो रिएक्शन क्या कहलाती है, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन या फिर पायरोलिसिस रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है?
क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन या फिर पायरोलिसिस. व्हाट इज दैट कॉल्ड? पायरोलिसिस ऑफ अल्केन्स या फिर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन. तो बेटा जी जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये एक फ्री रेडिकल रिएक्शन है. देखो ना, ये एक हायर अल्कीन था जिसे एन हेक्सेन था, अब इसको तुमने हेक्सीन में कन्वर्ट करवा दिया लोअर अल्कीन में, है ना, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग अल्कीन में. या फिर अगर आपने इसको एक तुमने ब्यूटेन बना दिया, एक इथेन बना दिया इससे, दैट मीन्स अगर आप इनको लोअर अल्कीन अल्कीन्स में तोड़ दें तो उसको हम क्या कहते हैं, पायरोलिसिस या क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन कहते हैं. यहाँ पर ZSM5 को यूज़ कर लेते हैं कभी कभार कैटलिस्ट के तौर पर, बाकी कुछ नहीं करना. देखो बॉन्ड तोड़ने तो आप हीटिंग कर दो, है ना, टेम्परेचर बढ़ा दो बहुत ज़्यादा, तभी इन्होंने यहाँ पर 773 केल्विन लिखा है. यानी कि अगर आप हाई टेम्परेचर कर देंगे तो पायरोलिसिस हो जाता है. रिएक्शन टेम्परेचर अगर हाई कर रहे हैं किसके प्रेजेंस में होगी, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी. ऑयल गैस या पेट्रोल गैस फ्रॉम केरोसिन और पेट्रोल इन्वॉल्व्स द प्रिंसिपल ऑफ पायरोलिसिस ओनली. तो ये जो पायरोलिसिस आप देख रहे हो, दिस इज द प्रिंसिपल, दिस इज द मेथड जो कि बिहाइंड द प्रिपरेशन ऑफ पेट्रोल या केरोसिन ऑयल या जो आप फ्यूल्स देखते हैं उनके पीछे भी यही रहता है, ठीक है. फिर इसके बाद कन्फर्मेशंस अभी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो पूरा पार्ट कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में डिस्कस किया जाता है. नेक्स्ट हम यहाँ पर आ जाते हैं अल्काइन से कैसे प्रेपरेशन होता है. तो फ्रॉम अल्काइन्स की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पर पार्शियल हाइड्रोजनेशन करवाते हो. क्या करवाते हो? पार्शियल. आप सबको याद होगा मैंने बताया था कि देखिए अगर आप प्लैडियम कार्बन, इसको प्लीज़ ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर तुमने एक अल्काइन लिया है, ठीक है, अगर तुमने एक अल्काइन लिया और तुम उसका हाइड्रोजनेशन करा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, लेकिन साथ में तुमने कार्बन भी ले लिया, ठीक है, तो यहां पर तुम्हारे पास क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा, दैट टू विद सिस कॉन्फिगुरेशन. ध्यान रखना अल्कीन विद सिस. बट अल्कीन विद सिस का मतलब क्या होता है? देखो आमने सामने सेम ग्रुप, आमने सामने सेम ग्रुप, इधर इधर सेम ग्रुप, इधर इधर सेम ग्रुप, तो दिस इज सिस अल्कीन. और वहीं अगर आप ये ले लेते हो सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, सोडियम लिक्विड अमोनिया अगर हम ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पर हमारे पास बनता है ट्रांस अल्कीन. क्या बनता है? ट्रांस अल्कीन. पहले तो आप मुझे ये बताएं ट्रांस और सिस अल्कीन के बीच का डिफरेंस पता है आपको? डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन ट्रांस एंड सिस अल्कीन? हाँ जी बताइए. जल्दी से बता दो. ठीक है, तो ट्रांस और सिस अल्कीन में हमारे पास, भाई दिख ही रहा है, अगर आपको नहीं भी आता तो भी आप समझ सकते हो, है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में आपने पढ़ा होगा, जब सेम टाइप के ग्रुप ऑपोजिट साइड होते हैं तो उसको हम ट्रांस अल्कीन बोलते हैं. देखो सोडियम लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में बेसिकली बर्ड्स रिडक्शन होता है, तो यहाँ पर हमारे पास इनके प्रेजेंस में ट्रांस अल्कीन बनता है और ये जो पैलेडियम कार्बन है इनके प्रेजेंस में क्या बनता है? सिस अल्कीन. तो बात तो बड़ी आसान सी है बट ये सिस और ट्रांस कॉन्फिगरेशन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है, ठीक. फिर ऐसे यहाँ पर प्रोपाइन से इथाइन से इथीन, प्रोपाइन से प्रोपाइन बनाकर दिखाया गया, प्रोपाइन से प्रोपीन. देन अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स के साथ भी अगर आप रिएक्शन कराएं, मतलब डीहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, अगर मैं हीटिंग करा दूँ, है ना, तो यहाँ से अगर मैं HX बाहर निकाल देती हूँ, यानी कि यहाँ से ठन ठन ठन, है ना, यहाँ से अगर मैं HX बाहर निकाल देती हूँ तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और मेरा रिस्पेक्टिव अल्कीन बन जाएगा, है ना, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में अगर हम हीटिंग कराते हैं. तो नेचर ऑफ हेलोजन एटम एंड द अल्काइल ग्रुप डिटरमाइंस द रेट ऑफ रिएक्शन. इट इज ऑब्जर्व दैट फॉर द हेलोजन द रेट इज आयोडीन का सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय ब्रोमीन क्लोरीन, वाइल फॉर अल्काइल ग्रुप्स इट इज टर्ट सेकेंडरी एंड प्राइमरी, टर्शरी सेकेंडरी और फिर प्राइमरी. मतलब देखिए क्योंकि रिएक्शन जो है आपका प्रोसीड करेगी बाय द रिएक्शन प्रोसीड करती है थ्रू कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है? टर्शरी. तो इसीलिए अगर आपका अल्काइल ग्रुप टर्शरी होगा तो रिएक्शन फास्ट होगी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और हेलोजन्स में आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन का ये आपका ऑर्डर रहता है. फ्रॉम विसिनल डायहेलाइड्स, फिर अगर हम बात करते हैं किससे, विसिनल डायहेलाइड से. बेटा विसिनल डायहेलाइड का मतलब क्या होता है? जब हमारे पास एडजेसेंट कार्बन एटम पर क्या लगाओ, हेलोजन लगाओ. एडजेसेंट यानी कि आजू बाजू वाले कार्बन एटम्स पर अगर हेलोजन लगा होता है तो फिर क्या होता है हमारे पास,
देखो जिंक मेटल के प्रेजेंस में अल्कीन बन जाता है. क्या बन जाता है? इन प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है. मैंने आपको पहले ही बताया था डीहेलोजिनेशन. विसिनल, विसिनल ध्यान है, विसिनल डाइहैलाइड, डाइहैलाइड मतलब जिसमें दो हेलोजन हो, विसिनल आजू बाजू यानी एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर, यहाँ से ब्रोमीन, यहाँ से ब्रोमीन निकाल दूंगी, ZN के साथ ZN Br2 बन जाएगा और इथीन आ जाएगा. दिस इज डीहेलोजिनेशन. ठीक है, फिर ऐसे यहाँ पर भी सेम टू सेम डीहेलोजिनेशन कराकर आप बना सकते हो. एल्कोहल के साथ पूरा का पूरा मैंने आपको इसमें मैकेनिज्म लिखकर बताया था. याद करो मैंने कहा था H पॉजिटिव, पहले स्टेप में प्रोटोनेशन होता है. वॉट OH जो है इट इज़ अ वीक लीविंग ग्रुप, तो पहले इसका प्रोटोनेशन करवाते हैं, वाटर बनता है, वाटर इज अ गुड लीविंग ग्रुप. फिर यहाँ पर आपके पास एक कार्बोकैटायन बनेगा, है ना, और फिर यहाँ से एक H पॉजिटिव जाएगा और हमारे पास जो है एक्चुअली यहाँ से हमारे पास ये जाएगा और यहाँ पर इथीन का फॉर्मेशन हो जाता है ना, अल्कीन बन जाता है. इसका पूरा मैकेनिज्म बताया था. कार्बोकैटायन से रिएक्शन प्रोसीड करती है वाया द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. फिर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी देख लें. अल्केन्स कलरलेस होते हैं, कोई खुशबू स्मेल नहीं होती है उनमें, दे आर कलरलेस एंड ऑडरलेस, फेयरली सॉल्यूबल इन वाटर. किसकी बात हो रही है यहाँ पर? अल्कीन्स की बात हो रही है. अल्केन तो हो गया अपना फिनिश, अब अल्कीन्स जो होते हैं दे आर फेयरली सॉल्यूबल इन वाटर. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पर क्योंकि कैरेक्टर आ गया, देयरफॉर जो है इन सॉल्यूबल इन वाटर है बट फेयरली सॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, पेट्रोलियम, ईथर. ठीक है, ऑब्वियसली जैसे अल्केन्स में सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड था और वो नॉन पोलर थे, अल्कीन्स में भी या कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, एरोमेटिक ही क्यों ना हो, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा कुछ नहीं है. और मैंने आपको कहा कार्बन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कोई खास होता नहीं है, तो वह सभी कंपाउंड्स कैसे हैं? नॉन पोलर हैं. और अगर नॉन पोलर हैं तो फिर वाटर में तो सॉल्यूबल होंगे नहीं, तो दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर बट फेयरली सॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, पेट्रोलियम, ईथर, इन सब में फेयरली सॉल्यूबल होते हैं. उसके बाद दे शो अ रेगुलर इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट विद इंक्रीज इन साइज. जैसे जैसे साइज बढ़ता है अल्कीन्स के केस में भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. जैसे अल्केन्स में हो रहा था ना कि साइज बढ़ रहा था, मास बढ़ रहा था, बॉइलिंग पॉइंट वॉज इंक्रीजिंग. सेम गोज फॉर दिस केमिकल प्रॉपर्टीज. बेटा यहाँ पर होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जी आकांक्षा मैम अल्कीन्स में क्या बनता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता है. तो यहां पर हमारे पास अगर हम की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो यार ये भी इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए एक अट्रैक्शन सेंटर होंगे कि नहीं? बेटा इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से ये वाले कार्बन जो सेंटर्स हैं इलेक्ट्रॉन रिच बन जाते हैं, क्योंकि यहां पर इनके बीच में ऐसा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई है, राइट? तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा दैट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस, तो ये इलेक्ट्रोफाइल को इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे. तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है. फिर एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, बिल्कुल सेम टू सेम रिएक्शन. ये अभी हमने प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स में किया, वही वाली रिएक्शन. एडिशन ऑफ हैलोजन्स, अब भी अभी आपने जो पीछे रिएक्शन देखी वही वाली रिएक्शन. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई पहले पीछे तुम क्या करते हुए आ रहे थे, आपके पास एक विसिनल डाइहैलाइड था और विसिनल डाइहैलाइड से तुम अल्कीन बना रहे थे. अब यहाँ पर अल्कीन की रिएक्शन आप अगर ब्रोमिनेशन करा दो ऐसा CCl4 एक नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, तो तुम्हारे पास विसिनल डाइहैलाइड बन जाता है. जैसे यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है ना. फिर उसके बाद एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स. अगर हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स कराते हैं तो क्या होता है? देखिए द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड्स, मतलब जैसे कि HI है, HBr है, HCl है, तो इनकी जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है वो क्या होता है? सबसे ज़्यादा HI, फिर HBr, फिर HCl. ठीक है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज दिस. सबसे ज़्यादा किसकी होती है? HI की होती है, फिर HBr की होती है, फिर HCl की होती है. ऑल्सो बेटा रिएक्टिविटी का ये ऑर्डर क्यों है? देखो रिएक्ट करने के लिए क्या चाहिए, मैं ऐसे ही कहकर निकल नहीं जाना चाहती हूँ, मैं आपको थोड़ा समझा भी दूँगी. देखो क्या लिखा है, पहले तो ये किसके कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, ये देखिए ऐसी जो रिएक्शंस होती है ना, मैं आपको अभी ये वाली रिएक्शन बताने वाली हूँ जहाँ पर ये एक अल्कीन है और यहाँ पर ये क्या है, ये एक HX यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड है. तो अल्कीन में जब हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन होगा तो आपने सीखा तो है ये कोई नई रिएक्शन थोड़ी ना है, तुमने सीखा है मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग, जो नेगेटिव पार्ट होता है दैट गोज टू द कार्बन एटम विद लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स. बट हियर वी हैव दिस केस जहाँ पर दोनों ही कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन्स हैं, तो किसी के पास कोई भी भेज दो और यहां पर लग जाएगा तुम्हारा हाइड्रोजन, तो हमारे पास एक हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है. अब आपको हम ये बताना चाहते हैं कि यहां पर भाई ये जो हेलो एल्केन्स यानी कि जो आपके हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं ना, ये जो आपके हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं उनके रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है.
ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है किसकी, एच आई की, फॉलोड बाय एच बी आर, फॉलोड बाय एच सी एल। तो जी आकांक्षा मैम, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, तो सुनिए। क्योंकि देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं रिएक्टिविटी, तो यार रिएक्ट करने के लिए बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, है ना भाई, ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, आपको H पॉजिटिव और I नेगेटिव बनाना पड़ेगा, मानते हो आप ये बात, तो यार बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। अब जहाँ बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो जब ये वाला बॉन्ड बना होगा हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में, फिलहाल ये कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, कैसे बना होगा, 1s और 1s और 2p 3p 4p 5p फ्लोरीन 2p क्लोरीन 3p ब्रोमीन 4p, तो यहाँ पर आ जाएगा 5p। ये बना होगा 1s 4p के ओवरलैप से, ये बना होगा 1s 3p के ओवरलैप से। मैंने सबके वैलेंस ऑर्बिटल्स लिखे हैं, है ना, तो यार ये तो बहुत ही पुअर ओवरलैप होगा, ये तो बहुत ही बेकार ओवरलैप होगा, तो ये वीक बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड जब वीक बनेगा तो आसानी से टूट भी तो जाएगा, तो क्योंकि ये वाला बॉन्ड इजीली डिसोसिएट हो जाता है, आसानी से टूट जाता है, तो इसीलिए ये वाली रिएक्टिविटी होती है ज्यादा। दिस इज मोर रिएक्टिव, यानी कि HI की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू HBr, एज कंपेयर टू HCl। आहा, क्या तो जी, यस मैम, है ना, तो ये आपने देखा। और फिर इसके बाद इधर आ जाइए, अभी तक आप देख रहे थे सिमेट्रिकल अल्कीन्स में हमारे पास एडिशन कैसे होती है। मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ कि अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो वहाँ पर मार्कोवनिकोव रूल अप्लाई किया जाता है। मार्कोवनिकोव रूल कहता है कि जी जो नेगेटिव पार्ट होता है ऑफ द अटैकिंग मॉलिक्यूल विल गो टू द कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में से जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, Br नेगेटिव उस कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास होगा लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और यहां पर ये आ जाएगा मोर नंबर ऑफ, मतलब ये H पॉजिटिव फिर यार दूसरे वाले कार्बन के साथ चला जाता है, बना लोगे आप ये कंपाउंड। मार्कोवनिकोव रूल, पूरी की पूरी बात लिखी है, मार्कोवनिकोव रूल क्या कहलाता है, NCERT हाइलाइटेड आपको पूरे मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। फिर यार ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया था कि नहीं, ये भी मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, हाँ जी बताया था कि आकांक्षा मैम हमारे पास ये जो अल्कीन है और अगर ये HBr के साथ रिएक्ट कर रहा है तो दो तरह के कार्बोकैटायंस बनते हैं, एक होता है जो लेस स्टेबल होता है और एक होता है जो मोर स्टेबल होता है ना, तो जो लेस, ये लेस स्टेबल है और फिर ये मोर स्टेबल है, दिस इज लेस स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल, ठीक है। तो जो ये ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड मार्कोवनिकोव रूल, ऐसा क्यों होता है कि आपका जो नेगेटिव पार्ट है वो उसी कार्बन के पास जाता है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो जी मैम वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा करने से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही मैकेनिज्म लिखा हुआ है, बट लेट्स नॉट गेट इन टू दैट। हाँ जी, फिर हमारे पास आता है एंटी मार्कोवनिकोव रूल। बेटा पढ़ा था हमने कि मार्कोवनिकोव का बिल्कुल ऑपोजिट रूल एक आता है विच इज एंटी मार्कोवनिकोव रूल, जिसको आप परोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट भी कह सकते हैं, जिसको पहचानने का एक आसान तरीका क्या है कि वहां पर परोक्साइड प्रेजेंस हो, जैसे आपके पास यहाँ पर ये परोक्साइड प्रेजेंट है ना, तो जब ये ऐसा परोक्साइड प्रेजेंट होता है तो उल्टा हो जाता है। मार्कोवनिकोव कहता है कि नेगेटिव पार्ट जाएगा उस कार्बन आटम के पास जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। एंटी मार्कोवनिकोव कहता है कि नेगेटिव पार्ट जाएगा उस कार्बन आटम के पास जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, ठीक है। तो यहां बिल्कुल ऑपोजिट आपको प्रोडक्ट जो है बना देना है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि यहाँ कार्बोकैटायन नहीं बनता है, यहां पर रिएक्शन प्रोसीड करती है वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो ये जो आप देख रहे हो बेंजोइल परोक्साइड, ये रिएक्शन को इनिशिएट करता है। यहाँ से पहले आपके पास ये रेडिकल बनेगा, फिर फिनाइल रेडिकल बनेगा और रिएक्शन आगे बढ़ेगी, एंड यहाँ पर हमारे पास ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल रेडिकल बनता है, तो ये पॉसिबल हो पाता है जब आप एडिशन कैसे करा रहे हैं, नेगेटिव पार्ट जा रहा है ऑन द कार्बन आटम विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन मच डिटेल इन आर डिटेल्ड सेशंस। और फिर इसके बाद आ जाते हैं इधर, इधर आ जाओ जी, ये देखो सल्फोनिक एसिड, अगर आप किसके साथ, यहाँ पर ये बिल्कुल सारे रिएक्शंस जितने भी हैं जिनको मैंने बॉक्स में डाला है, ये जितने रिएक्शंस आप मेरे पीछे लिखे हुए देख रहे हैं, जितने रिएक्शंस यहाँ पर बॉक्स में लिखे गए हैं, तो भाई सारे बॉक्स की रिएक्शन, ठीक है, आपकी मार्कोवनिकोव रूल पर ही बेस्ड है, मार्कोवनिकोव रूल्स पर ही बेस्ड है। तो हमारे पास क्या होता है, देखिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर आपके पास ये सल्फोनिक एसिड है, ओ नेगेटिव एच पॉजिटिव, है ना, तो जो नेगेटिव वाला पार्ट है पूरा का पूरा नेगेटिव पार्ट है, तो जो पूरा नेगेटिव पार्ट है, पूरा नेगेटिव पार्ट विल गो टू द कार्बन आटम विच हैज
कोई भी किसी भी कार्बन पर जा सकते हैं, तो क्योंकि आपके पास एक सिमेट्रिकल अल्कीन है, यानी कि आपके पास दोनों ही कार्बन आटम ऐसे हैं जिनके पास इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं, है ना, कहीं भी भेज दो। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल होगा, जैसे कि ये वाले केस में, है ना, तो यहाँ पर आप वाटर को हमेशा ध्यान रखिए, वाटर में होता है एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव, तो यहाँ पर पहले कार्बोकटायन बना लेना। अगर एक मोर स्टेबल कार्बोकटायन बन सकता है तो आप रीअरेंजमेंट भी यहाँ करा सकते हो। फिर ऐसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जैसे कि अगर डायल्यूट KMnO4 के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं, देखो ऑक्सीडेशन है, इसीलिए आपने रेडॉक्स चैप्टर में शायद एक डेफिनेशन पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन का, कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का एडिशन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो बेटा जी इधर देख लो, जैसे वाटर के साथ इनकी रिएक्शन हो रही है ना, और साथ साथ में ऑक्सीजन ऐड करा दे रही हूँ, तो ये नेचुरली ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। प्लस मैंने एक बढ़िया सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, डायल्यूट KMnO4, है ना, और टेम्परेचर ठीक ठाक ले लिया, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, हाँ, इथाइल, ये ग्लाइकॉल बन गया। क्या बना? ग्लाइकॉल। ऐसे यहाँ पर मेरे पास प्रोपेन 1,2-diol बन गया। कुछ नहीं करना यार, आपको यहाँ पर सीधा OHOH लगा देना, है ना। हाइड्रोक्सिलेशन याद है आपको, मैंने आपको लास्ट में एक रिएक्शन पढ़ाई थी अल्कीन्स वाले क्लास में, हाइड्रोक्सिलेशन एंटी हाइड्रोक्सिलेशन हमने टेस्ट सीखा था, एक अनसैचुरेशन के लिए टेस्ट, है ना, बेयर्स रिएजेंट टेस्ट, ये वही तो है, सेम टू सेम, ठीक। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर भी सेम ही सेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर लिखी गई है, है ना। अब इधर आ जाओ, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम्हारे पास अल्कीन है और इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा अगर आपने KMnO4 लिया एसिडिक मीडियम। यहाँ पर देखो मैंने ऑक्सीजन ऐड नहीं किया, पानी नहीं डाला, सीधा सीधा मैंने पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर दिया है, तो तुम्हारे पास क्या बनेगा ये वाले केस में, ध्यान रखना है दीज आर केस स्पेसिफिक रिएक्शंस, यहाँ पर कीटोन बनेगा और यहाँ पर इथेनोइक एसिड। तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, इसीलिए मैंने स्पेशली NCERT में हाईलाइट किए हैं, ऐसी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी मेन जो डिटेल सेशन था उसमें नहीं हो पाती हैं, और NCERT रीडिंग का पर्पस ही ये है बेटा, पर्पस ही ये है कि हम जो है ऐसी रिएक्शंस मिस ना करें, ठीक है। ओजोनोलिसिस में क्या होता है? ओजोनोलिसिस में कुछ नहीं होता कांक्षा मैम, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूट जाता है, है ना। यहाँ पर आप क्या करते हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तोड़ देते हो, ब्रेक करा देते हो, सो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूटेगा, कार्बन की बची हुई वैलेंसी ऑक्सीजन एटम सेटिस्फाई कर देगा, दैट्स इट, टन टन हो गया, है ना, यहाँ मिथाइल डबल बॉन्ड हो, टन टन, ठीक है, ऐसा होता है। तो जी ये हो गया। फिर उसके बाद होती है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन आप यहाँ पर देख लें, बड़ा ही आसान बेटा, पॉलीमर चैप्टर आपके दिल को दुख तो बहुत हो रहा होगा, किस किस को दुख होता है सोचकर कि यार पॉलीमर्स क्यों डिलीट कर दिया, आसान सा चैप्टर था, सच बता, सचमुच अगर आप सिर्फ सारे पॉलीमर्स भी लर्न कर चले जाएं तो इट वॉज एन ईजी चैप्टर, अच्छा, ईजीली जिसमें स्कोर किया जा सके, एक ऐसा चैप्टर था, कौन, पॉलीमर्स चैप्टर। लेकिन वो बेचारा जो है आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया, किस किस के दिल को बुरा लगता है, ओ लगता है बुरा, ओ गॉड लगता है, लगता है, लगता है, ओ गॉड, ओ हो लगता है भाई, बुरा तो लगता है इनको, बताओ एक्सप्रेस करिए अपने आपको, मैम लगता तो है, अच्छा खासा नंबर्स आ जाते हैं मैम वहाँ से, है ना, बट बेटा अब तो जो होना था हो गया, है ना, अब तो कुछ तो कर नहीं सकते हम तो। लेकिन मैं आपकी दुखती रख पर हाथ लगा रही हूँ, ऐसा कुछ होता है ना, देखो मेरे को ऐसे डायलॉग आते नहीं है, पर मैं ट्राई करती हूँ, बट एनीवेज मेरे को ये डायलॉग सच में नहीं आता, क्या कहते हैं आप पूरा बताओगे, बस मैंने सुना है और मैं इसका मतलब भी जानती हूँ, है ना, कि मैं आपकी दुखती रग पर को छेड़ रही हूँ, पर हाथ लगा रही हूँ, कुछ तो ऐसा होता है तो ये मेरे दिमाग में आया, मैंने बोल दिया, बट मुझे क्या बोलते हैं वो पता ही नहीं है, ठीक है, बट आपको फीलिंग आ गई कि नहीं, आपको समझ आ गया मैम बोलना क्या चाहती हैं, है ना आपको पता चला ना मैम क्या बोलना चाहती हैं, हाँ चलो ठीक है। तो एक्चुअली मैं क्या कहना चाहती थी कि पॉलीमर चैप्टर तो डिलीट कर दिया गया है, बट देन ये देखो एक पॉलीमर वाली बात यहाँ पर है, ठीक है, तो जैसे इथीन है, इथीन जैसे जैसे आपके पास इथीन है, इथीन जैसे बहुत सारे आप इथीन के मॉलिक्यूल्स लीजिए, उनको साथ में जोड़ते चले जाइए, 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 तो आपके पास बन जाता है बेटा पॉलीथीन,
इथीन 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 एडिशन होता रहेगा और बनेगा पॉलीथीन। ऐसे ही जैसे तुम्हारे पास यहाँ पर ये प्रोपीन है, बहुत सारे प्रोपीन प्रोपीन प्रोपीन, आपके पास बनेगा पॉलीप्रोपीन, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं अल्काइंस। अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला ये होता है बेटा, अल्काइंस तो जी मैम, अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है। अल्काइन कौन होते हैं याद करो जी आकांक्षा मैम, ये तो हम सबको आता है, जहाँ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी जहाँ पर कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको हम अल्काइंस कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर IUPAC नेमिंग है जो कि हम ऑब्वियसली नहीं करने वाले हैं बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस इन डिटेल। फिर इधर आ जाओ, देखो कैसे हम आपका अल्काइन से जो है मैंने आपका आपको सिखाया था प्रेपरेशन ऑफ अल्काइन्स। तो कैल्शियम कार्बोनेट बेसिकली पहले आप कैल्शियम कार्बाइड बनाते हो, देखो ये वाली रिएक्शन होती है, यहाँ पर इन्होंने क्या है कि कैल्शियम कार्बाइड बनाकर दिखाया है। मैंने जो आपके नोट्स में रिएक्शन लिखवाई है सीधा ये वाली रिएक्शन है ना, मैंने आपके नोट्स में सीधा ये वाली रिएक्शन लिखवा दी थी। लेकिन ये कैसे बनता है, ये बनता है कुछ इस तरह, कैसे बनता है मैम कैल्शियम कार्बाइड, तो बेटा ये होता है फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड स्टेप में कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मेशन होता है और कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करा दे तो बनता है C2H2। व्हाट इज C2H2? एसिटाइलीन, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ एक हाइड्रोजन एंड दैट्स इट, बन गया, ओके है जी, शाबाश। फिर हमारे पास आता है विसिनल डायहैलाइड्स। विसिनल डायहैलाइड्स कौन होती हैं, आजू बाजू कार्बन आटम पर हेलोजन आ जाए, तो अगर मैं यहाँ पर KOH डालती हूँ, एल्कोहलिक KOH, तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, हमेशा ही एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में एलिमिनेशन ही होता है। तो बेटा जी एलिमिनेशन कैसे होगा, तो ऐसे होगा, देखो ऐसे, यहाँ से आपके पास डीहाइड्रोहेलोजनेशन होगा, अल्फा कार्बन से हेलोजन जाएगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, तो यहां पर अल्फा बीटा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन आप करा देंगे। पहले स्टेप में अल्कीन बनेगा है ना, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा। फिर उसके बाद आप दोबारा से सेम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन जब कराओगे, क्योंकि देखो अभी भी अल्फा कार्बन पर हेलोजन है और बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन है, तो फिर से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस अगर करा दें तो आपके पास अल्काइन बन जाता है। पहले तो बताएं अगर आपको ये रिएक्शन क्लियर है तो बोलो यार, रिएक्शन क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं सब डिटेल में पढ़ा तो चुकी हूँ है ना, कि हमारे पास अगर एक विसिनल डायहैलाइड है एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में एलिमिनेशन होगा तो हमारे पास पहले तो ये बनेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर यहाँ से तुम HBr फिर से वापस बाहर निकाल देना, ये अल्फा कार्बन मान लो बीटा कार्बन, अल्फा से हेलोजन बीटा से हाइड्रोजन, डिहाइड्रोलोजेशन एल्काइन बन जाता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम वैसी ही रहती है जैसे आपने अल्कीन्स की पढ़ी। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने सबसे पहले द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइन्स डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो टर्मिनल अल्काइन्स होते हैं, बट टर्मिनल अल्काइन किसको बोलते हैं मैम, टर्मिनल अल्काइन होते हैं ये वाले अल्काइन्स जहां पर हमारे पास एंड में क्या हो, हाइड्रोजन हो, दीज आर टर्मिनल अल्काइन्स, दीज आर टर्मिनल अल्काइन्स जहां पर आपकी कार्बन की लास्ट वैलेंसी हाइड्रोजन एटम पूरी कर रहा है। कौन पूरी कर रहा है, हाइड्रोजन एटम पूरी कर रहा है, दोज आर योर टर्मिनल अल्काइन्स। लेकिन हाँ, और ये जो टर्मिनल अल्काइन में हाइड्रोजन होता है यार, ये एसिडिक होता है, एसिडिक कैसा होता है, दिस इज एसिडिक इन नेचर, यानी अगर मैं कोई भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ले आऊँ वो इसको रिप्लेस कर देगा, ये एच पॉजिटिव की फॉर्म में भागने के लिए तैयार रहता है हमेशा, ठीक है, ये एच पॉजिटिव के फॉर्म में हमेशा भाग जाता है। अब इधर देखो, ये बहुत सारी रिएक्शन भी मैंने आपको लिखवाई थी, पहली रिएक्शन ये रही पहली रिएक्शन, फिर एक और रिएक्शन, है ना। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो आपका एसिडिक हाइड्रोजन है इसको सोडियम ने रिप्लेस कर लिया, तो यहाँ पर एन ए पॉजिटिव ने रिप्लेस किया इसको, फिर दूसरा जो आपका प्रोटॉन है इसको भी रिप्लेस करा दें आप, है ना। फिर ऐसे ही आपके पास ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको भी आप एन ए पॉजिटिव आयन से रिप्लेस करा दो, तो आप ऐसे जो है यहाँ पर हम क्या करा रहे हैं, आपका एसिडिक कैरेक्टर प्रूव हो रहा है। फिर इसके बाद अल्काइन्स में एग्जैक्टली वही सेम रिएक्शंस हैं जो हम आपके डिटेल नोट्स में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एंड हेंस आई डो नॉट थिंक वी नीड टू गेट इन टू दिस सिंस ऑलरेडी सेम रिएक्शंस हमने कवर की हैं। बट इधर आ जाओ, बेंजीन पर अब आ जाते हैं, है ना।
बिल्कुल सेम है. अल्कीन्स में, सॉरी अल्काइन्स वाले पार्ट में एज इट इज वही लिखा गया है जो आपके डिटेल नोट्स में एक के बाद एक रिएक्शंस मैंने कराई हुई हैं. फिर इसके बाद आप जरा इधर आ जाएं बेंजीन पर. बेंजीन का प्रेपरेशन हमने क्लास के शुरुआत में ही देखा था. यहाँ पर देखिए डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, याद होगा आपको CO यहाँ से CO2 बाहर निकाल दो, बेंजीन बन जाता है. ठीक है, फिर ऐसे हमारे पास क्या रहता है, ये देखिए रिडक्शन ऑफ फिनॉल की बात हुई थी, या आपने देखा था जिंक डस्ट के प्रेजेंस में हीटिंग कराएं वापस से फिनॉल बन जाएगा. फिजिकल प्रॉपर्टी में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड यूजुअली कलरलेस लिक्विड्स. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं नॉन पोलर भी होते हैं और जी कलरलेस भी होते हैं. कैसे होते हैं? कलरलेस, कलर उनमें होता नहीं. ओ माई गॉड, दे आर यूजुअली कलरलेस. ठीक है, अच्छा आपको पता है जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको एरोमेटिक क्यों कहते हैं? एरोमेटिक की कंडीशंस होती हैं मैम, साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक क्लोज सिस्टम्स हो, कंटिन्यूस डीलोकलाइजेशन हो, प्लेनर हो, और फिर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रूल फॉलो कर जाए. लेकिन साथ साथ नाम एरोमेटिक ही इसलिए रखा गया क्योंकि उनमें बहुत बढ़िया अरोमा होती है. अरोमा मतलब खुशबू, स्मेल होती है बढ़िया सी एकदम. तो दे आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, तो क्योंकि उनके अंदर बहुत अच्छी अरोमा होती है. तो जस्ट इमेजिन तुम्हारे एग्जाम में आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक. ध्यान से सुनो प्लीज, इससे काम की बात आपको दुनिया में कोई नहीं बताएगा. क्या यहाँ पर आप सब मुझे सुन रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिए. एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, नाउ बी वेरी सीरियस अबाउट दिस. एग्जाम में क्वेश्चन आया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड. आपको सीधा एक एक कंपाउंड को उठाना है एग्जाम में, जो भी दिया गया है उसकी खुशबू लेनी है. जहाँ अच्छी खुशबू आ जाए वो एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है. समझ आया? ऐसे ही करेंगे सब लोग क्वेश्चन सॉल्व. बताओ यार कैसे गधे हो तुम लोग. हाँ कह रहे यस मैम ऐसे ही करेंगे. आर यू सीरियस? एग्जाम में मैंने आपको क्या कहा कि चार ऑप्शन दिए गए हैं. चारों को उठाकर खुशबू लो, जिसमें आए खुशबू अच्छी वो एरोमेटिक है. तो ये पॉसिबल है? बताना जरा. कह रहे हाँ यस मैम कर देंगे, ये पॉसिबल है. तुम्हें जो एग्जाम में दिया होगा उसको उठाकर सच में तुम सूंघ सकते हो, ले सकते हो उसका स्मेल? नहीं, प्रॉपर्टी लगाओगे, चार रूल्स देखोगे कौन फॉलो कर रहा है. तभी तो मैंने जानबूझकर कहा, मुझे पता ही था तुम यस में यस मिला देते हो ना. यस 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 यस, वो भावनाओं में भजाते हैं मैम. यस यस, मैंने देखा कि मैंने आपको ये कहा और बच्चे कह रहे हैं यस मैम, ओके यस मैम, यस मैम, यस मैम. मैंने कहा ऐसा करोगे? कहते यस मैम ऐसा ही करेंगे. बेटा ऐसा करोगे, ये पॉसिबल है आपके लिए? हाँ, इतना भी भावनाओं में ना बही है ना. चलिए तो फिर चलो ये तो ठीक है. बट एक्चुअली क्या करना होता है, तुम्हें पहले ये देखना होता है कि आपका जो कंपाउंड है, नंबर वन क्या देखोगे बताओ? क्लोज्ड होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, और फिर उसमें कंटिन्यूस डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए तो एरोमेटिक होगा. तुम तो मेरी सारी बात मान जाते हो, मतलब मैं कुछ भी कहूँ तो यस मैम ही आएगा सामने से निकल कर, है ना. चलो ये हो रहा है नाइट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और H2SO4 के प्रेजेंस में. कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और H2SO4 के प्रेजेंस में, क्योंकि एक नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है हमारे पास NO2 पॉजिटिव. बेटा ये यहाँ पर सारे के सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, ESR होते हैं. ESR में सबका ही सेम मैकेनिज्म होगा, सेम टू सेम मैकेनिज्म होगा सारे केसेस में सेम टू सेम मैकेनिज्म लगेगा, और वो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर ये NO2 पॉजिटिव बनता है तो ये नाइट्रेशन ऑफ द रिंग हो जाएगा. ठीक है, फिर ऐसे ही हेलोजिनेशन आप देख लें, यहाँ Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और इसका आपका क्लोरो डेरिवेटिव बन जाएगा. फिर सल्फोनेशन में यहाँ पर सल्फोनिक बेंजीन सल्फोनिक एसिड हमारे पास बनता है और यहाँ पर ये आपका सल्फोनेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा. फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, सारी रिएक्शन लिखी थी ना एक ही डायग्राम में बिल्कुल जब क्लास की शुरुआत हुई थी, तो यही तो मैंने बताया था और क्या बताया था बताओ. फिर इसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जहाँ पर आप एसिड क्लोराइड ऐड कराते हो, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. ये याद है हेक्साक्लोरोबेंजीन? हेक्साक्लोरोबेंजीन किस किस को ध्यान आ रहा है बताएं एक बारी. हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर हेक्साक्लोरोबेंजीन? यार मुझे ऐसा लगता है ना, हमने जब स्टार्टिंग में देखा तो ये जब आज का क्लास शुरू हुआ था तो यहाँ थोड़ी गड़बड़ है. यहाँ ना डबल बॉन्ड्स मिसिंग है, ये देख रहे हो आप? यहाँ देखो ये डबल बॉन्ड तो मिसिंग ही है यार, ये वाले जो डबल बॉन्ड है हमारे, आहा ये जो डबल बॉन्ड है ना, दीज आर तो मिसिंग.
ये जो डबल बॉन्ड है ये मिसिंग है बेटा, यहाँ हाइड्रोजन की जगह जैसे कि बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, है ना, तो यहां पर हाइड्रोजन की जगह आ जाता है क्लोरीन। क्या आ जाता है? क्लोरीन। तो हाइड्रोजन की जगह कौन आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा। C6H6 की जगह C6Cl6 बन जाता है। ओके, कह दो यस मैम, कह दो कह दो कह दो कह दो। ठीक है, फिर इसके बाद ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का मैकेनिज्म दिया गया है, यानी जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है फिर बेंजीन रिंग उसको अपने पास खींचती है क्योंकि प्यार हो जाता है, तो ये बेंजीन रिंग उसको अपने पास लेगा और फिर क्या होगा एक कार्बन आटम पर ये चला जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो जब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये आप ऐसे सोच लें कि आपकी ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, ये पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले कार्बन आटम पर आ गई। ये डबल बॉन्ड अगर मैं तोड़ दूँ, है ना, और पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ लगा दूँ, मान लिया डबल बॉन्ड पूरा चला गया, ये डबल बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए इस वाले कार्बन आटम के पास और ये वाला कार्बन आटम बन गया पॉजिटिवली चार्ज। तो हमारा जो अब इलेक्ट्रोफाइल है ना, हमारा जो सॉरी अब ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आकर बैठ जाएगा या नहीं, मैं नेक्स्ट स्लाइड में भी आपका मैकेनिज्म लिखकर दिखा सकती हूँ बाय द वे। तो अब आपके पास यहाँ पर ऐसा होगा, लेकिन ऐसा करने से अब इलेक्ट्रोफाइल को खुशी तो होगी, क्यों, इलेक्ट्रोफाइल को तो मज़े ही आ गया, जिससे प्यार करता था उसके पास आ चुका है, बिकॉज यहाँ पर उसकी जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स की चाहत थी वो तो पूरी हो जाएगी, बट एक प्रॉब्लम हो गई। रिंग देखो कितनी बढ़िया बनी हुई थी, यहाँ पर कंटिन्यूस डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा था कि नहीं, यहाँ पर कंटिन्यूस डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, यानी कि कंटिन्यूस जो है रेजोनेंस में इन्वॉल्व था। बट देन फिर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हुआ इलेक्ट्रोफाइल, बट यहाँ तुम्हारे पास जो कार्बन है वो कैसा हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। आपका कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो चुका है या नहीं, कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो अभी हमारे पास क्या होगा, अब वापस से ये तो मज़ा नहीं आया बेचारा, एरोमेटिसिटी ऑफ द रिंग खत्म हो गई, अच्छा खासा कंटिन्यूस रेजोनेंस चल रहा था, टूट गया बिकॉज ऑफ दिस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आटम। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, वैसे भी देखो पॉजिटिव चार्ज है ना, अपने इलेक्ट्रॉन ये कार्बन आटम्स के बीच में देते हुए यहाँ वापस डबल बॉन्ड बन जाएगा और तुम्हारे पास ये रीअरेंजमेंट होते हुए इस तरह वापस से बेंजीन रिंग, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग आपके पास बन जाता है। तो ये हमने देखा। फिर एडिशन रिएक्शन, यानी कि अगर मैं कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करा दूँ इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, या फिर आप कैसे बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी बना सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट 500 केल्विन। तो एक्चुअली यहाँ पर ये वाली जो रिएक्शन थी, मैंने इसमें रिएजेंट नहीं देखा जो आपका रिएजेंट था। अब देखो यहाँ पर आप रिएजेंट का डिफरेंस समझें, हमारे पास ये बनता है, ध्यान है, हमारे पास ये बनता है C6H6Cl6, इसको हटा दो, ये जो आपके पास, अरे यार, ये जो आपके पास बनता है कौन से रिएक्शन में बन रहा है, ये जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आता है, C6H6 C6H6 Cl6। तो यानी कि जो रिएक्शन में हमने शुरुआत में जो प्रोडक्ट देखा था विच इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये बनता है क्लोरीन और यूवी लाइट की प्रेजेंस में। जब क्या होगा, यूवी लाइट यानी सनलाइट के प्रेजेंस में, भाई किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। ओके, ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या होता है, इधर देखो, हमारा तो पेज ही हो गया है ना कांक्षा मैम। अब मैम क्या करें इसमें, ये बताओ, कहाँ थे हम। हाँ जी, ये अच्छा, मैं आपको एक्चुअली ना कंपेयर कर बताना चाहती थी क्योंकि कंफ्यूजन हो जा रहा है। देखो ये जो बन रहा है, दिस इज हेक्साक्लोरोबेंजीन। डिफरेंस समझिएगा प्लीज, रिएजेंट्स का डिफरेंस समझो। डिफरेंस क्या है, यहां पर तुम्हारे पास ये क्लोरीन और एनहाइड्रस AlCl3 इन डार्क कोल्ड, ठीक है, ये आपका रिएजेंट है, तो हेक्साक्लोरोबेंजीन बन रहा है, यानी कि डबल बॉन्ड इंटैक्ट है, और जब तुम्हारा रिएजेंट क्लोरीन और यूवी लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है तब बनता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, यानी कि फिर डबल बॉन्ड नहीं रहता है ना, मतलब यानी कि कार्बन की फोर्थ वैलेंसी क्लोरीन पूरी कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू रिएक्शंस। ऑल्सो हमारे पास यहाँ पर लास्ट, ये मैं आपको लास्ट रिएक्शन इसमें बता रही हूँ, सुपर इंपॉर्टेंट है। देखो
हमारे पास क्या होता है, अगर मान लो बेंजीन रिंग है और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके इसके हेल्प से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, यू विल बी एबल टू सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस इसी के हेल्प से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यार। तो मान लो बेंजीन रिंग है और वो सब्स्टिट्यूटेड है, यानी कि उसके ऊपर इधर ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ है और ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब जैसे कि प्लस एम प्लस एच, तो ये सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट अगर लगा रहा है तो फिर ये एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहलाते हैं, ये रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं एंड दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। इसका मतलब अगर मेरा ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो ग्रुप प्लस एम या फिर प्लस एच इफेक्ट दिखाता है, क्या दिखाता है, या तो प्लस एम या फिर प्लस एच इफेक्ट दिखाता है, तो फिर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि ये जो है ऑर्थो या फिर पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो या फिर पैरा प्रोडक्ट बनाता है। मतलब अगर यहां पर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पोजीशन या फिर पैरा पोजीशन पर जाएगा। कहां जाएगा? या तो ऑर्थो पोजीशन पर जाएगा या फिर पैरा पोजीशन पर जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, अगर ये वाला जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, अगर ये वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो मतलब माइनस इफेक्ट कोई भी लगा रहा हो, माइनस एम माइनस एच या फिर माइनस आए, ठीक है, तो फिर ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, यानी कि ये मेटा प्रोडक्ट बनाता है। और ये सब क्या होते हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, दीज आर ऑल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लगा रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन कौन हो सकता है? माइनस एम माइनस एच या फिर माइनस आए लगाने वाला, ठीक है। तो ऐसे केस में मेटा प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे आप यहां पर देख सकते हो। ये क्या है? नाइट्रो ग्रुप बेंजीन रंग के ऊपर लगा है तो इसका माइनस एम डोमिनेट करेगा, यानी अगर यहां पर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो मेटा पोजीशन पर चला जाएगा। दिख रहा है सबको? यहां इलेक्ट्रोफाइल किधर आता है? मेटा पोजीशन पर। वैसे ही अगर मान लो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता तो फिर वो किधर चला जाता? आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पर जाता। विद दैट वी आर डन फॉर टुडे, जिसमें हमने पूरा हाइड्रोकार्बन चैप्टर रीड कर लिया है। कमेंट्स में एक बार यस मैम जरूर लिख देना कि मैम हम चाहते हैं कि हमें आप पीडीएफ प्रोवाइड कर दें टेलीग्राम पर। बाकी कल मैं शुरू कर रही हूँ थर्मोडायनेमिक्स और इसी सेशन का माइंड मैप और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन के हम करेंगे कल की स्पेशल क्लास में, जिसका लिंक अभी कुछ देर बाद कॉमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। बेटा थर्मोडायनेमिक्स की क्लास कल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, पूरा वन शॉट में पूरा चैप्टर में आपका कंप्लीट करा दूंगी। सो बस इतना ही, सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा और सेशन में लाइव पार्टिसिपेट करना है। आई नो कि आपका थोड़ा सा कंसर्न था, इतने दिन से मैम क्लास नहीं ले रही, मैम दोगी भी आप, पढ़ाओगे आप हमें, है ना, आपको ऐसा लगने लगता है एक ही दिन अगर क्लास ना हो तो अभी वी आर बैक एंड आई स्टार्ट ऑन टाइम राइट टुमारो राइट एट 8:30 PM। और इसमें बहुत जान लगने वाली है सेशन में, क्योंकि वन शॉट में पूरा चैप्टर कंप्लीट है ना, 8:30 बजे पढ़ाऊंगी। चलो दैट वॉज ऑल, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। मेक श्योर यू हैव हिट द लाइक बटन एंड कल के सेशन में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा और स्पेशल क्लास में भी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।